Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkhaa Gupta, your IT educator. So last video में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 6 एनालाइजिंग डेटा इन स्प्रेडशीट्स. होप आप सभी ने प्रैक्टिकल भी किया होगा और वीडियोस भी देखी होगी, समझ भी आया होगा. उसमें हमने असेसमेंट और एक्टिविटी जोन भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. सो प्लीज़ जिसने नहीं देखा है उसको प्रैक्टिकल करिए, वीडियोस देखिए, आंसर्स क्लियर करिए, ओके. और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. सो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट्स. अभी लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हम डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, है ना. एनालाइज करना क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया. और आज इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम डेटा को और स्प्रेडशीट्स को, एक्सेल में जो वर्कशीट वर्कबुक आप क्रिएट करते हो और उसमें जो आप एंटर करते हो वैल्यूज, वो डेटा कहलाती हैं. तो उन्हें हम कैसे लिंक करते हैं, अलग अलग वर्कशीट से अलग अलग सेल्स को हम कैसे लिंक करते हैं, अलग अलग वर्कबुक्स को हम कैसे आपस में लिंक करते हैं. कोई अदर फाइल लाइक कोई वेब पेज हो गया, ओके, या कोई डॉक फाइल हो गई, या कोई MS एक्सेस में बना हुआ डेटा सोर्स है, उन्हें हम कैसे लिंक करते हैं एक्सेल शीट के साथ. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें लिंकिंग देखना है और ये देखना है कि कैसे आप दो वर्कबुक को या दो वेब पेजेस को एक्सेल के साथ में लिंक कर सकते हो. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. यहाँ पे मैंने दो एक्सेल शीट्स बनाई हुई है. सो उनको हमें क्या करना है, बेसिकली लिंक करना है. वी कैन ऑल्सो लिंक टू और मोर देन टू एक्सेल शीट्स, ओके. और उनके बीच का डेटा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी सेल से आप कैसे डेटा को रेफर कर सकते हो, ओके. सो इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का ओवरव्यू बेसिकली. सो लिंकिंग का क्या मतलब होता है. लिंकिंग का मतलब होता है एक्सेस डेटा फ्रॉम अदर वर्कबुक और अदर एक्सेल शीट, ओके. किसी एक्सेल शीट की किसी सेल से जब आप कोई डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, ओके, आप ऐसा चाहते हो कि आपने कुछ लिखा है और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो कोई अदर वर्कशीट का डेटा को आप एक्सेस कर लो, तो उसको हम बोलते हैं लिंकिंग. तो लिंकिंग इज वेरी फास्ट वे एज कॉपी एंड पेस्ट. जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो उससे ज्यादा फास्ट वे होती है लिंकिंग की, ओके. सो अब लिंकिंग क्या होता है, सिंपल जैसे आपने नेट पे देखा है ना हाइपरलिंक, सिंपल वैसे ही हाइपरलिंक कैसे होती है. सपोज कंप्यूटर पे हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया है, ओके, कंप्यूटर वर्ड पे. अब जैसे इसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये एक हाइपरलिंक है, लिंक है. जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने क्या होता है, कंप्यूटर रिगार्डिंग फर्दर बहुत सारे लिंक्स या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाते हैं. होता है ना ऐसा, इंटरनेट पे गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो जो भी आपने सर्च किया है टॉपिक, उससे रिगार्डिंग बहुत सारी लिंक्स आपके सामने आती है, जिन पे आप फर्दर क्लिक करते हो तो फर्दर वेब पेजेस ओपन होते हैं. सिंपल वैसे ही हम यहाँ एक्सेल में लिंक क्रिएट करने वाले हैं. सो अभी सबको लिंक समझ में आया, ओके. Linking spreadsheet data enables you to keep the information updated without editing in multiple locations every time data changes. हर बार यदि डेटा में चेंजेस हो रहे हैं तो आप हर वर्कशीट पे जाके डेटा को चेंज ना करने की जगह हम क्या करते हैं, एक लिंक बना लेते हैं उन सारी वर्कशीट की एक मेन वर्कशीट पर. और अगर मेन वर्कशीट में चेंजेस होते हैं तो उन सारे डेटा में ऑटोमेटिकली चेंजेस होते हैं. The ability to create links eliminates the need of having identical data entered and updated in multiple sheets. This saves time, reduces errors and improves data integrity, है ना. अब लिंक क्रिएट करने से क्या होता है, आपका टाइम बचता है, एरर के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एंट्री करने बैठोगे डेटा की तो एंट्री करने में मिस्टेक्स होती है, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती है, ओके. तो जब आप डेटा को लिंक कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बचता है, एरर कम होती है. और ये क्या इंप्रूव करता है, डेटा इंटीग्रिटी को भी इंप्रूव करता है, ओके. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस चैप्टर कि हम कैसे एक्सेल में डेटा को इंप्रूव करते हैं और क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट है उसके. सो ये हम इसे बेनिफिट भी बोल सकते हैं, इसके फीचर्स भी बोल सकते हैं, ओके. सो इट इज द क्विक वे टू गेट द डेटा फ्रॉम वर्कशीट टू अनादर बाय यूजिंग द कॉपी एंड पेस्ट मेथड. कॉपी पेस्ट मेथड से ज्यादा अच्छा वे होता है डेटा को लिंक करना, सेल्स को लिंक करना अलग अलग वर्कशीट से, ओके. अब ये कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इस यूनिट में. जब स्टार्टिंग से आप जब भी बुक ओपन करोगे, ये चैप्टर खोलोगे, तो आपको फर्स्ट टॉपिक जो मिलेगा वो होगा सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स, है ना, कि मल्टीपल शीट्स को हम एक्सेल वर्कबुक में कैसे सेटअप करते हैं, कैसे लाते हैं, ओके. आप सभी ने एक्सेल की वर्कशीट देखी है ना. कुछ इस तरीके से एक्सेल की वर्कशीट शो होती है, ओके. कैसे शो होती है, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, फाइन. ये हमने एक एक्सेल शीट ड्रॉ कर ली सपोज, ओके. अब यहाँ पर नीचे क्या होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3. बाय डिफॉल्ट इतनी शीट्स शो होती है आपको, ओके. ऐसे 3 शीट शो होती हैं और एक एक्टिव सेल यहाँ पे होती है जिस सेल को आप एक्टिव करके रखते हो, ओके. यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास में, कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं. सपोज ये 1 2 3 4 5 ये रोज हो गई हैं और ऊपर हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बना लिए हैं, है ना, A B C D E. फाइन. तो इस तरीके से एक्सेल शीट होती है. अब यहाँ पर हमारी बात हो रही है कि हाउ वी इंसर्ट वर्कशीट. यदि आपको कोई नई वर्कशीट इंसर्ट करना है, बाय डिफॉल्ट तो 3 शीट्स होती हैं, है ना, वर्कशीट या शीट के नाम से हम इसे जानते हैं, शीट 1 शीट 2 शीट 3. यदि आपको कोई नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं? सिंपल, हम क्या करते हैं, होम टैब पर जाते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हैं. ओके, तो ये तो पहली स्टेप हुई कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है, होम टैब पे क्लिक करना है. होम टैब पे आपके पास में इस तरीके से इंसर्ट ऑप्शन आएगा, इंसर्ट में आपको जाना है और जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो तो इन 4 तरीके से आप एक्सेल शीट्स में सेल्स, शीट या रोज या कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो. देखिए, आप फर्स्ट इंसर्ट सेल, आपको सेल भी इंसर्ट कर सकते हो, शीट रो इंसर्ट कर सकते हो या शीट में कॉलम्स को भी इंसर्ट कर सकते हो. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट शीट, इंसर्ट शीट. इंसर्ट शीट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या शो होगा, तो यहाँ पे आपको शो होगा लाइक यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल शो होगा शीट 4 के नाम से कि एक और शीट इंसर्ट हुई है, शीट 4. ओके, सिंपल यहाँ पे शीट 4 क्लिक शो होने लगेगी. जैसे ही आप इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हो तो आपको शीट 4 नाम से एक न्यू शीट शो होने लगती है. तो ये तो सिंपल था कि जब आप क्या करते हो, इंसर्ट पे क्लिक करते हो और इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हो. तो एक और वे होता है इसको इंसर्ट करने का, शिफ्ट + F11. बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी नई शीट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है, तो ये क्या है, शॉर्टकट की है. ओके, बाय यूजिंग शॉर्टकट की शिफ्ट + F11 वी कैन इंसर्ट द न्यू शीट इनटू द वर्कबुक. वर्कबुक में आप एक न्यू शीट को इंसर्ट कर सकते हो. तो जैसे ही आप शिफ्ट 11 प्रेस करोगे तो एक और नई शीट, शीट 5 के नाम से एक और नई शीट इंसर्ट हो जाएगी. ओके, सो ये कुछ वे थी जिसके थ्रू हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं. एक थर्ड वे और होता है, इसके पास में एक इस तरीके से कुछ बटन होता है, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना तो भी न्यू शीट इंसर्ट हो जाती है. ओके, सो देयर आर 3 वेज टू इंसर्टिंग द न्यू शीट इनटू द वर्कबुक. फर्स्ट, click on home tab, then select insert option, then select insert sheet. Second, shift + F11 is the shortcut key to insert the sheet. And third is by using this option, this button, जब आप इस पे क्लिक करते हो शीट के पास में तो वहां से भी एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाती है. तो ये तो कुछ न्यू शीट इंसर्ट करने के वेज थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट इज रीनेम वर्कशीट. आप किसी वर्कशीट को कैसे रीनेम करते हो? ओके, बाय डिफॉल्ट किस नाम से शीट शो होती है, शीट 1 शीट 2 शीट 3 के नाम से शो होती है. ओके, अब शीट को रीनेम करने के भी कुछ ऑप्शंस होते हैं. ओके, सो रीनेम करने के लिए फर्स्ट है ओपन अ वर्कबुक, डबल क्लिक ऑन शीट 1 टैब टू रीनेम इट. क्या करना है आपको, शीट 1 पे डबल क्लिक करना है. देखिए, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है शीट 1, इस पर यदि मैं डबल क्लिक करती हूँ तो आपको इस तरीके से शो होगा, ब्लैक कलर से शीट 1 सिलेक्ट हो जाएगा. फिर वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी शीट का नाम लिख सकते हो. ओके, सपोज आपको एम्प्लॉय के लिए शीट बना रहे हो तो आप उसका नाम एम्प्लॉय सेट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि डबल क्लिक ऑन द शीट 1 टैब. शीट 1 टैब पे जब आप डबल क्लिक करते हो तब हम क्या कर सकते हैं, शीट का नाम रीनेम कर सकते हैं. सेकेंड इज रीनेम शीट बाय राइट क्लिक ऑन शीट 1. किसके थ्रू, बाय राइट क्लिक. सिंपल, आप इस शीट पर, जैसे यहाँ पे देखिए शीट पर राइट क्लिक किया हुआ है और कौन सा ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है, रीनेम ऑप्शन सिलेक्ट किया है. तो शीट 1 पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखता है. इस बॉक्स में हमें सिलेक्ट करना है रीनेम ऑप्शन को. जैसे ही आप रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो कुछ इस तरीके से शीट 1 दिखने लगता है, ब्लैक कलर से सिलेक्टेड. तो वहां पे फिर हमें क्या करना है, नाम चेंज करना है. तो ये 2 वे थी शीट को रीनेम करने की. होप आपको समझ में आई होगी कि हाउ वी इंसर्ट द शीट एंड हाउ वी रीनेम द शीट. ओके, सो ये बेसिक्स था, होप आप सभी को आता भी होगा. बट क्या होता है कि जब शॉर्टकट कीज की बात होती है या हम एक से ज्यादा तरीके की बात करते हैं कि आप कितने तरीके से शीट को इंसर्ट कर सकते हो, कितनी वेज से आप रीनेम कर सकते हो, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. इसलिए मैंने आपको 2-3 वेज बताई है कि किस तरीके से हम शीट को इंसर्ट करते हैं और कैसे हम शीट को रीनेम करते हैं. ओके, तो ये कुछ 2 टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए. थर्ड इज क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर वर्कबुक. अब देखिए, रेफरेंस जैसा मैंने बताया, अब यहाँ बात हो रही है लिंकिंग की, रेफरेंस की. ओके, रेफरेंस करना मतलब रेफर करना, आप सभी को समझ में आता है कि किसी सेल के डेटा को जब आप किसी और सेल पर रेफर करते हो, किसी और सेल पर चाहते हो, तो उसे हम बोलते हैं रेफरिंग. ओके, सेल्स रेफरेंसिंग. तो रेफरेंसिंग यहाँ पे हम सीख रहे हैं वर्कबुक के साथ। अब आप सभी को पता है कि एक्सेल में हम क्या बनाते हैं, वर्कबुक बनाते हैं। वर्कबुक कितने पार्ट में, कितने बाय डिफॉल्ट शीट्स होती है वर्कबुक के अंदर? 3 शीट्स होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो वर्कबुक क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। ओके, सो आप यहाँ पर रेफरेंसिंग जो है वो वर्कशीट के अंदर भी कर सकते हो और वर्कबुक के अंदर भी कर सकते हो। ओके, सो समटाइम यू मे बी रिक्वायर्ड टू लिंक द कंटेंट ऑफ द सेल among the different sheets of same workbook। ध्यान से समझिए कि sometimes we required to link what the content of cell among the different sheets of same workbook। okay, यहाँ पे बात हो रही है कि एक ही workbook के अंदर जब अलग अलग sheets होती हैं उसमें यदि हमें कुछ content को link करना है, okay, तब हम cell referencing का use करते हैं। However, you need to add one more step to indicate which workbook the worksheet is in। okay, so you need to link the data of workbook 1, workbook 2 and workbook 3। तो यहाँ पर हम workbook 1, 2, 3 अलग अलग workbook को भी link कर सकते हैं। एक workbook के साथ में जब multiple worksheets होती हैं तो हम उन्हें भी link कर सकते हैं। ओके, अब कैसे link करते हैं वो हम practically भी देखेंगे और by theoretically भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको idea हो जाएगा कि practically हम उसे कैसे करते हैं। ओके, the following syntax is used to enter the reference in a cell to link cells of different workbook। ओके, यदि आप अलग अलग वर्कबुक से डेटा को रिफर करते हो तो हम ये सिंटैक्स का यूज करते हैं। कौन सा सिंटैक्स है? देखिए, वर्कबुक का नाम फर्स्ट, फिर वर्कशीट का नाम सेकंड, एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन थर्ड इज सेल एड्रेस। 3 चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें लिखना है वर्कबुक का नाम। सपोज आपने जो एक्सेल शीट बनाई है एम्प्लॉय नाम से बनाई है तो एम्प्लॉय क्या हो गया? वर्कबुक का नाम हो गया। ओके, अब सेकंड इज वर्कशीट नेम। अब एम्प्लॉय वर्कबुक के अंदर 3 शीट्स खुली हैं तो पहली शीट का नाम सपोज सेल्स है तो वर्कशीट का नाम हो गया सेल्स। एम्प्लॉय सेल्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है आपको। अब सेल्स में आपको एक सेल को सिलेक्ट करना है। सेल समझते हैं ना, जो रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है। तो कोई सी भी सेल, सपोज सेल अमाउंट लिखा हुआ है किसी रो में तो हमने यहाँ पे उस सेल का एड्रेस सपोज A3, B3, B4, D11 कोई सी भी सेल, वो सेल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जिसको हमें रेफर करना है, लिंक करना है। सो दिस इज द सिंटेक्स, दिस इज द बेस थ्रू विच विल लिंक द डेटा फ्रॉम एक्सेल टू अदर एक्सेल वर्कशीट्स। ओके, द सिंटेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ये जो सिंटेक्स है उसमें 3 पार्ट कंसिस्ट किए हुए हैं, वर्कबुक नेम, वर्कशीट नेम एंड सेल एड्रेस, जैसा मैंने अभी आपको बताया। क्लियर? अब आप ये जो सेल रेफरेंसिंग करते हैं हम, ये 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कीबोर्ड का यूज करके भी और माउस का यूज करके भी। ओके, कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज करके हम सेल रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। ये एक वर्कबुक है, ये सेकंड वर्कबुक है। 2 वर्कबुक हमारे सामने शो हो रही है। ओके, यहाँ कुछ नेम है और उन पर्सन्स के स्कोर्स हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन स्कोर्स का टोटल शो हो रहा है। क्लियर? अब ये टोटल जो इस शीट पर है, शीट का नाम क्या है? द फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड शीट हमने यहाँ खोली हुई है, उस शीट में हम टोटल स्कोर इन शीट यहाँ पर इस रो में चाहते हैं। ओके, तो हमने क्या करा, ये जो सेल थी, इस सेल का जो डेटा था उसे हमने यहाँ पर एक्सेस किया है। कैसे एक्सेस किया है? बाय दिस फॉर्मूला। आप सभी को दिख रहा है, ठीक है? शीट का नाम क्या था? द फर्स्ट क्वार्टर। तो पहले यहाँ पे हमने लिखा है शीट का नाम द फर्स्ट क्वार्टर, फिर क्या लगाया है? कॉलन, और कॉलन लगा के फिर क्या लिखा है? इस सेल का एड्रेस। इस सेल का एड्रेस है B15, तो वो सेल का एड्रेस लिखा है। जैसे आप ये टाइप करते हो यहाँ पर तो ये सेल का जो वैल्यू है 1202 टोटल स्कोर यहाँ पर शो होने लगता है। ओके, इसे हम प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे से समझेंगे। सो आपको यहाँ पे अपना माइंड क्लियर रखना है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ वे आपको बताया कि हम कैसे वर्कबुक में रेफरेंसिंग कर सकते हैं सेल्स की। कीबोर्ड का यूज करके भी आप कर सकते हो, माउस का यूज करके भी कर सकते हो। अब माउस का यूज करके कैसे करते हैं और कीबोर्ड का यूज करके कैसे करते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, सिंपल। सपोज आप यहाँ पे आपको एक्सेस करना है, यदि आप कीबोर्ड का यूज करते हो तो आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे आपको पूरा वर्कबुक का नाम लिखना है। सपोज वर्कबुक 1 को यूज कर रहे हो, है ना? फिर उसमें आप किस शीट को एक्सेस कर रहे हो? शीट 1 को एक्सेस कर रहे हो। कॉलन, अब उसकी कौन सी सेल एक्सेस कर रहे हो? सपोज B15 सेल को एक्सेस कर रहे हो। जब आपने ये पूरा कोड लिखा, कीबोर्ड से टाइप किया, इट मींस बाय यूजिंग कीबोर्ड हम किसी सेल को रेफर कर रहे हैं। ओके, अब क्या होता है? माउस, माउस के थ्रू क्या करते हैं हम? इक्वल का साइन लगाते हैं, और जब आपने इक्वल का साइन लगाया फिर आपने यहाँ से सेल को सिलेक्ट किया, इस वर्कबुक को ओपन किया और इस सेल को सिलेक्ट किया। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होने लग जाता है कि आपने कौन सी सेल सिलेक्ट किया है। नाउ प्रेस एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आंसर यहाँ भी 1202 शो होगा और यहाँ भी 1202। टू शो होने लगेगा। ओके, सो होप आपको रेफरेंसिंग समझ में आई है कि हम सेल्स की रेफरेंसिंग अलग अलग वर्कबुक से या अलग अलग वर्कशीट से कर सकते हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड बाय यूजिंग माउस। कीबोर्ड से हमें पूरा डेटा टाइप करना पड़ता है, मतलब हमें पूरा पाथ, पूरा एड्रेस, जहां से जिस सेल से आपको जिस वर्कबुक वर्कशीट से सेल के डेटा को रिफर करना है वो पूरा पाथ हमें टाइप करना है कीबोर्ड में, और माउस में हमें उसे सिलेक्ट करना है बाय यूजिंग माउस। ओके, तो जब आप माउस से सिलेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे शो होने लगता है। ओके, सो होप यू हैव क्लियर दिस थिंग। सो यहाँ पे मैंने वर्कशीट्स के लिए भी आपको समझाया है कि हम वर्कशीट से भी क्लियर कर सकते हैं कि वर्कशीट में कैसे, सपोज ये एक वर्कशीट है, सिंगल वर्कशीट है, यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है, ये अमाउंट 1, ये अमाउंट 2, ओके, 400 और 300। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों सेल का सम हो जाए, ये दोनों वैल्यूज हमें रेफर करनी है। ओके, कहाँ पर? इस थर्ड नंबर की सेल में। तो अब कीबोर्ड के थ्रू कैसे किया हुआ है, जैसे इन्होंने यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू किया हुआ है कि हम क्या लिखेंगे कीबोर्ड से, इक्वल, इस सेल का एड्रेस क्या है B1 नाम की सेल है तो B1 प्लस इस सेल का एड्रेस क्या है B2, ये हमने टाइप किया है तो कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो इन दोनों का टोटल होके इस सेल में शो होगा। ओके, अब माउस से कैसे करेंगे, हम इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे से हम पहले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली B1 लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आता है सेल का एड्रेस, होप आपने कभी देखा होगा। तो लाइक इक्वल, जब आप इस सेल को सिलेक्ट करते हो तो $B $2 ऐसा साइन होता है ना, सेल के एड्रेस को प्लस आपने टाइप किया, फिर आपने इस वाली सेल को सिलेक्ट करना है। जब आप इस सेल को सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर सेकेंड वाली सेल का एड्रेस शो हो जाएगा। ओके, नाउ यू प्रेस एंटर, जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आंसर कितना आएगा 700। क्लियर हुआ? तो माउस से जब आप क्लिक करते हो सेल्स को तो ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस आ जाता है और कीबोर्ड से आपको सेल एड्रेस टाइप करना होता है। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं एरर के, किस में, जब आप कीबोर्ड से टाइप करते हो सकता है आपसे सेल एड्रेस गलत लिखा जाए, है ना। तो यहाँ पर जब आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हो तो देयर इज अ चांसेस ऑफ एरर, बट जब आप माउस से सिलेक्ट करते हो तो आपको पता होता है कि आपको कौन सी सेल को सिलेक्ट करना है और वो ऑटोमेटिकली एक्सेल ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस ले लेता है। ओके, सो यहाँ पे दो वे होती है, यूजिंग कीबोर्ड एंड यूजिंग माउस। नेक्स्ट इज हाइपरलिंक। अभी हमने डिस्कस किया सिर्फ कि हम कैसे सेल को रेफरेंस करते हैं, कैसे हम वर्कशीट को एंटर करते हैं और कैसे हम वर्कशीट का नाम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है वो है हाइपरलिंक, कि अब आप हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। लिंक और हाइपरलिंक दोनों में डिफरेंस है ना। लिंक से हम किसी सेल को रिफर कर रहे हैं। ओके, हाइपरलिंक में आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो, उस पर जब आप क्लिक करते हो तब आपको दूसरी कोई वर्कशीट या वर्कशीट का कोई सेल रिफर होता है, दिखता है। क्लियर? एक्सेल इनेबल्स यू टू क्रिएट हाइपरलिंक फॉर मेनी डिफरेंट पर्पसेस। अब एक्सेल में जब हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो अलग अलग पर्पज के लिए, लाइक हाइपरलिंक टू शीट गोइंग टू अ सर्टेन लोकेशन विदिन द करंट वर्कबुक। एक वर्कबुक है, उसमें 10 वर्कशीट्स है। अब 10 वर्कशीट में से आपको सपोज फर्स्ट वर्कशीट पे जाना है या 10th वर्कशीट पे जाना है, तो आपको किसी वर्कबुक में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है तो हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक का यूज करते हैं। लिंकिंग विद एक्सटर्नल डेटा। अब एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल इट मीन्स कि एक्सेल शीट से वर्कबुक से बाहर के कोई सॉफ्टवेयर के डेटा को आपको एक्सेस करना है तब भी हम यूज करते हैं हाइपरलिंक्स का। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कोई इंटरनेट का वेब पेज एक्सेस करना है, आपको यदि ईमेल एड्रेस को एक्सेस करना है या फिर आपने कोई फाइल बना रखी है कोई CDE ड्राइव में, वहां से आपको अपनी एक्सेल शीट पे उस फाइल को एक्सेस करना है, तब हम यूज करते हैं हाइपरलिंक्स का। तो एक्सटर्नल डेटा अभी क्लियर है। ओपनिंग अनदर डॉक्यूमेंट और गेटिंग टू स्पेसिफिक प्लेस इन दैट डॉक्यूमेंट और नेविगेशन टू वेब पेज ऑन द इंटरनेट। तो ये वर्क है एक्सटर्नल डेटा का, कि जब एक्सटर्नल डेटा आपको एक्सेस करना है एक्सेल वर्कशीट पे तब हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। सो होप आपको हाइपरलिंक भी क्लियर है। अब हाइपरलिंक को जैसे ही हम एक्सेस करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। ओके, अब हाइपरलिंक कितनी टाइप्स की होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। ओके, 2 टाइप की हाइपरलिंक्स होती है। हाइपरलिंक सबको क्लियर है ना, जो लिंक होती है, जैसे आपको गूगल की लिंक पता करना है तो http://www.google.com, तो ये पूरी एक लिंक होती है ना, उसी तरीके से हम लिंक्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव हाइपरलिंक। हाइपरलिंक 2 टाइप की होती है। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव। रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होती है? पार्शियल एड्रेस होता है किसी भी हाइपरलिंक का। पार्शियल इन द सेंस कि यहाँ पे हम फुल एड्रेस नहीं लिखते हैं। ओके, which is to address of the destination file. Destination file का जो address होता है वो partial होता है. Partial in the sense कि जहाँ पे हम पूरा HTTP से लेकर last तक जब कोई address नहीं लिखते हैं तो वो relative hyperlink कहलाती है. For example, you have saved a workbook abc.xls. हमने एक workbook save किया किस नाम से? abc.xls के नाम से. And an image file capture.jpeg in a drive. अब आपने CDE कोई सी भी ड्राइव में एक इमेज को रख रखा है, JPEG फॉर्मेट की इमेज है, आपने एक abc.xls नाम की वर्कबुक क्रिएट किया है. टू क्रिएट अ रिलेटिव हाइपरलिंक टू द इमेज फाइल टू द वर्कबुक, द रिलेटिव पाथ विल बी capture.jpg. समझ में आया कि यदि हमें उस एक्सेल शीट पे उस इमेज को लेकर आना है, उस इमेज के लिंक क्रिएट करना है कि हम सपोज कहीं क्लिक करें तो वो इमेज हमें एक्सेल शो पे फाइल पे शो हो, तो उसके लिए हमें जो पाथ यूज करना पड़ेगा वो होगा रिलेटिव हाइपरलिंक का, मतलब capture.jpeg. ओके, सिंपल हम इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज ये आपकी एक्सेल शीट है. ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करा, capture.jpg. ओके, ये सेल में लिखा हुआ है. क्लियर? तो अब क्या करेंगे आप, इसको बनाएंगे हम हाइपरलिंक. जब हम इसे हाइपरलिंक बनाएंगे तो इसके नीचे क्या शो होगी, अंडरलाइन. ओके, अब ये एक्सेल शीट में लिखा हुआ है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, क्या करोगे, क्लिक करोगे तो एक जो इमेज है जो आपकी किसी भी ड्राइव में, सपोज सी ड्राइव में सेव है. ओके, तो यहाँ पे सपोज कोई इमेज सेव है. ओके, तो ये इमेज क्या होगी, इस पर लिंक हो जाएगी. जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इमेज आपको शो होने लगेगी. ओके, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक. अब यहाँ पे हम इस फाइल का पूरा पाथ नहीं देंगे कि लाइक सी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स में और इमेज फोल्डर में कैप्चर नाम की इमेज है, ऐसा पूरा पाथ हमें नहीं लिखना है. ये फैसिलिटी होती है रिलेटिव हाइपरलिंक, क्योंकि रिलेटिव हाइपरलिंक में हम कभी भी पूरा पाथ नहीं लिखते हैं, सिंपल हम फाइल नेम को एक बैकस्लैश के साथ में लिखते हैं. ओके, समझ में आया? Simple relative hyperlinking is only possible with both the source and destination file are on the same drive और लोकेशन. अब रिलेटिव हाइपरलिंक कब पॉसिबल होता है करना, जब आपकी फाइल्स, दोनों फाइल्स कहां पर हो, एक सेम ड्राइव में हो. मतलब ये जो हमने वर्कबुक क्रिएट किया है वो भी सी ड्राइव में हो और जो आपका इमेज है वो भी सी ड्राइव में हो. जब एक ही सेम ड्राइव में, सेम लोकेशन पे जब टू फाइल्स होती हैं जिनके बीच में आपको लिंकिंग क्रिएट करनी है, तब हम यूज करते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक ऑप्शन का. ओके, और रिलेटिव हाइपरलिंक को लिखने का वे क्या होता है, स्लैश लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल नेम डॉट फाइल का एक्सटेंशन. ओके, ये होता है इसका फॉर्मेट किसी भी रिलेटिव फाइल नेम को लिखने का, विदाउट डूइंग द फुल पाथ, विदाउट राइटिंग द फुल पाथ. क्लियर? नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक. अब हाइपरलिंक टू टाइप्स की होती है. रिलेटिव हमने डिस्कस किया जिसमें हम फुल पाथ नहीं लिखते हैं, और एक सेम ड्राइव के अंदर फाइल्स होना जरूरी है जिन्हें आपको लिंक करना है. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होती है? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में हमें फुल पाथ लिखना पड़ता है. ओके, फुल पाथ इन द सेंस सपोज आप कोई वेब पेज को एक्सेस कर रहे हो, गूगल को एक्सेस कर रहे हो, ईमेल एड्रेस को एक्सेस कर रहे हो, तो आपको पूरा पाथ लिखना है http://www.google.com. या यदि आप मैग्नेट ब्रेन्स के क्लास 10 के किसी भी सब्जेक्ट की कोई वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर रहे हो, उसकी लिंक यदि आप क्रिएट करना चाहते हो तो आपको पूरा पाथ लिखना है http://magnetbrains.com. उसके अंदर आपको फिर क्लास 10 को जाना है. क्लास 10 में फिर आपको सपोज कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT को सिलेक्ट करना है. IT में आपको चैप्टर 1 पे जाना है, चैप्टर 1 के भी किसी सब टॉपिक पे जाना है. तो ये पूरा पाथ होता है जो हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में यूज करते हैं. तो एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक इज अ हाइपरलिंक दैट कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज. अब यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन वर्ड यूज हो रहा है, आई होप सबको पता होगा. सोर्स डेस्टिनेशन वो फाइल होती है जहां हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वो फाइल होती है लिंक पर जब क्रिएट क्लिक करोगे तो जहां से फाइल एक्सेस होगी वो डेस्टिनेशन कहलाती है. ओके, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट हाइपरलिंक. अब एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या करते हैं, हम फुल एड्रेस शो करते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि http://kips.in के अंदर इंडेक्स PHP में आपको बुक्स को रिफर करना है. ओके, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इतने पाथ को फॉलो करके बुक्स नाम का पेज ओपन होगा. ओके, सिंपल एक और एग्जांपल हमने लिखा है C users kips, उसके अंदर डॉक्यूमेंट, मतलब C ड्राइव में यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसमें kips नाम का फोल्डर है, उसमें डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है. सपोज डॉक्यूमेंट्स में सेव है इमेज नाम का फोल्डर, और इमेज नाम के फोल्डर के अंदर सेव है आपकी capture.jpeg नाम की इमेज. ओके, तो ये होता है पूरा पाथ जो हमें मेंशन करना पड़ता है जब हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को क्रिएट कर रहे होते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, फिलअप्स में पूछा जाता है, व्हाट इज रिलेटिव हाइपरलिंक एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो रिलेटिव हाइपरलिंक में हम पूरा एड्रेस नहीं लिखते हैं और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में हम पूरा एड्रेस लिखते हैं। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। अभी हमने ये देखा कि हम वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स में से कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं, अब एक्सटर्नल डेटा कैसे आप एक्सेस करते हो। टू लिंक अ स्प्रेडशीट विद एन एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल सबको क्लियर है, कोई वेब पेज हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई ईमेल एड्रेस हो सकता है। सो चूज द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। अभी इतनी देर से हम हाइपरलिंक पढ़ रहे हैं तो पहले ये समझ लें कि हमें हाइपरलिंक मिलता कहाँ है। सिंपल, आपको हाइपरलिंक एक्सेस करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होता है। इंसर्ट टैब पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है हाइपरलिंक ऑप्शन को। हाइपरलिंक कुछ ऐसा अर्थ के जैसा शेप होता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से चेन बनी होती है और यहाँ पर लिखा रहता है हाइपरलिंक। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलता है, जो आपको डायलॉग बॉक्स यहाँ शो हो रहा है। ओके, अब हाइपरलिंकिंग में हम इन चार ऑप्शंस का यूज करते हैं जो आपको यहाँ शो हो रहे हैं। सिंपल, यदि आपको किसी वर्कशीट या वर्कबुक को लिंक करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको हाइपरलिंक का टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले, टेक्स्ट टू डिस्प्ले मतलब जो चीज आपको डिस्प्ले होगी, जिसपे आप क्लिक करोगे वो होता है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। ये ऑप्शनल भी होती है। यहाँ पे सेल रेफरेंस लिख दो आप, या तो सेल का नाम लिख दो जिसको आपको लिंक करना है, या फिर आप यहाँ से सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ शीट 1 सिलेक्टेड है। ओके, तो ये था फर्स्ट वे की प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ये दिख रहा है आपको एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ओके, मतलब फाइल कोई सी आपकी पहले से बनी बनाई है, जैसे कैप्चर नाम की फाइल हमारी जो इमेज थी वो पहले से बनी हुई थी सी ड्राइव में, उसे हमें एक्सेस करना है, तब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ओके, सिंपल ऐसे ही 2-3 बॉक्सेस खुलेंगे, उन्हें हमें फिल करना है, सेल का नाम लिखना है, रेफरेंस लिखना है, देन ओके पे क्लिक करना है। ओके, थर्ड इज क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। यदि नया डॉक्यूमेंट, देखिए ये एक न्यू टॉपिक है कि आप चाहते हो कि जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करो तो एक नया डॉक्यूमेंट या नई फाइल खुल जाए। ओके, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन। फोर्थ इज ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको अभी बताया कि आप चाहते हो कि आपके एक्सेल शीट में आपने कुछ लिंक शो किया है, अपने ईमेल एड्रेस के लिंक शो किया है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करो तो आपका ईमेल एड्रेस ओपन हो जाए। ओके, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पर बाय यूजिंग ईमेल एड्रेस ऑप्शन, है ना। तो इन चारों ऑप्शन का यूज करके हम हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, किसी अदर डॉक्यूमेंट के लिए, किसी और ईमेल एड्रेस के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हो आप। ओके, या किसी वर्कशीट में से किसी सेल को भी रिफर कर सकते हैं। 4 चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम किसी अदर डॉक्यूमेंट के लिए हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट, अदर एक्सेल शीट हो सकती है, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कैसा भी डॉक्यूमेंट। ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट के अलावा आप न्यू डॉक्यूमेंट के लिए भी लिंक क्रिएट कर सकते हो। न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू एक्सेल शीट्स, कुछ भी आप हाइपरलिंक के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, या फिर हम ईमेल एड्रेस के लिए भी लिंकिंग कर सकते हैं। सो दिस 4 आर द इंपॉर्टेंट वेज टू क्रिएट हाइपरलिंक। सेल पे क्लिक करते हो तो एक सेल के लिए एक न्यू सेल खुल जाती है। ओके, जिसपे आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया। अदर डॉक्यूमेंट तो किसी अदर डॉक्यूमेंट पे चले जाते हो, न्यू डॉक्यूमेंट्स पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है और ईमेल एड्रेस में ईमेल क्रिएट हो जाता है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। इसे हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, नाउ इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ पे हमें कोई अदर सॉफ्टवेयर से, है ना, कोई सा भी दूसरा सॉफ्टवेयर है, वहां से हमें डेटा सोर्स को एक्सेस करना है। डेटा सोर्स आप सभी को पता होगा, जिसने भी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का मेल मर्ज चैप्टर नहीं पढ़ा है, मेल मर्ज वीडियो नहीं देखी है, प्लीज देखिए, उसमें हमने डेटा सोर्स को डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसी तरीके से अलग अलग डेटा सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे MS एक्सेस में हम डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं, SQL सर्वर में हम डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं, SQL लैंग्वेज होती है ना, वहाँ भी ऐसे बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो उन डेटाबेस सॉफ्टवेयर में हम डेटा सोर्स क्रिएट करते हैं। उन डेटा सोर्स को यदि आप इंपोर्ट करना चाहते हो एक्सेल वर्कशीट में, तो वो कैसे करते हैं यहाँ पर, वो भी पॉसिबल है। ओके, सो इन एक्सेल यू कैन इंसर्ट डेटा इन स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट डेटा एक्सटर्नल सोर्सेज such as from MS Access, web text or other sources. When you import data, you make permanent connection that can be refreshed whenever required. अब इंपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स है, डेटा पे क्लिक करना होता है, गेट एक्सटर्नल डेटा पे जाना होता है और फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करते हो, वहां से हमें डेटाबेस मिल जाता है, टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है इस तरीके से। इस डायलॉग बॉक्स में हम क्लिक करते हैं जब ओके पे, तो हमारी वीडियो इंसर्ट हो जाता है, जो भी डेटा सोर्स है वो इंसर्ट हो जाता है। बुक 402। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट्स का थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। सो होप आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें मैंने ओवरऑल चैप्टर का ओवरव्यू दिया है और सब बताया है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो आज इस चैप्टर का हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल हम देखेंगे वो देखेंगे सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स, कि मल्टीपल शीट्स को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो, कैसे उसमें सेटिंग कर सकते हो, हाउ टू रीनेम द शीट्स। ओके, so when you launch Excel on your computer, it opens a worksheet button beside the sheet tabs. अब इसमें फर्स्ट हम देखने वाले हैं इंसर्ट वर्कशीट। तो इन वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे हम वर्कशीट को इंसर्ट करते हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट द वर्कशीट। फर्स्ट वी सिलेक्ट होम टैब, देन सेलेक्ट इंसर्ट बटन, देन सेलेक्ट इंसर्ट शीट फ्रॉम मेन्यू बार। ओके, तो ये तो फर्स्ट वे था। सेकेंड वे इज प्रेस शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 इज द शॉर्टकट की। जैसे ही आप ये प्रेस करते हो देन the new worksheet is inserted in the workbook. Okay, so let's see the practical of this. So this is the Excel worksheet और यहाँ हमें worksheet को insert करना है, you know। अब वर्कशीट को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के जैसे अभी हमने टू वेज देखे। फर्स्ट वे इज क्लिक ऑन द होम टैब, है ना। होम टैब पे आपको किसे सिलेक्ट करना है, इंसर्ट ऑप्शन। सेल्स के अंदर आपको इंसर्ट ऑप्शन दिखता है, सेल्स ग्रुप में। देन क्लिक ऑन इंसर्ट। सो वेन एवर यू क्लिक ऑन इंसर्ट, द फोर ऑप्शंस आर हियर, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स और इंसर्ट शीट। यहाँ से हम फोर थिंग्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आप कोई न्यू सेल को इंसर्ट कर सकते हो, या रो इंसर्ट कर सकते हो, या कोई कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट शीट होल वर्कशीट देन वी कैन ऑल्सो डू दिस। सो सेलेक्ट द इंसर्ट शीट। जैसे ही मैंने इंसर्ट शीट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं। सो आप कौन सी शीट एंटर हो गई, यहाँ पे शीट 4 इंसर्ट हो गई है। ओके, सो ये तो फर्स्ट वे था। क्लिक ऑन होम टैब, सिलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन में हमें इंसर्ट शीट पे क्लिक करना था, देन द नेक्स्ट इंसर्ट वर्कशीट विल बी इंसर्टेड। ओके, सिंपल। अब यहाँ शिफ्ट F11 का हम यूज़ करते हैं। आई प्रेस शिफ्ट F11। ये देखिए, जैसे ही मैंने शिफ्ट 11 प्रेस किया, यू जस्ट नोटिस हियर शीट 5 इज ऑल्सो इंसर्टेड, है ना। बाई डिफॉल्ट 3 होती है, अब यहाँ पर 2 शीट आपको इंसर्टेड शो हो रही होगी, शीट 5 एंड शीट 4। ओके, शीट 4 को हमने होम टैब का यूज़ करके इंसर्ट किया था और शीट 5 को हमने शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करके इंसर्ट किया है। सो होप आपको ये वे क्लियर होगा जिसके थ्रू हमने शीट को इंसर्ट किया है। एक वे और होता है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है शीट 5 के पास, इंसर्ट वर्कशीट, जिसके अंदर लिखा है शिफ्ट प्लस F11 भी। तो आप यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, जैसे ही क्लिक करोगे शीट 6 नाम से एक न्यू शीट इंसर्ट हो जानी है। देखिए, जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, नेक्स्ट शीट इज़ ऑल्सो इंसर्टेड। तो इस तरीके से शीट्स यहाँ पे इंसर्ट हो सकती हैं। ओके, आप इन्हें मूव भी कर सकते हो सिक्वेंशियली। यदि इन्हें आपको अरेंज करना है, जैसे मैं अरेंज कर रही हूँ, मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम शीट्स को मूव भी कर सकते हैं। ओके, सो होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हाउ वी इंसर्ट द शीट्स। तो यहाँ पे 2 वेज मैंने इंसर्ट शीट्स के बताएं। थर्ड वे भी हमने देखा है कि आप शीट के पास में एक इंसर्ट शीट का बटन होता है, उस पर क्लिक करते हो तो वहाँ से भी हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज रीनेम वर्कशीट। अब वर्कशीट को आप रीनेम कैसे करते हो, तो रीनेम करने की भी कुछ स्टेप्स हैं कि रीनेम हम कैसे कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं शीट पे, तब भी आप रीनेम कर सकते हो। ओके, या फिर शीट के नेम पे आप राइट क्लिक करते हो और राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो वहाँ से भी हम रीनेम कर सकते हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रीनेम करने के मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं यहाँ, लाइक ओपन अ वर्कबुक, डबल क्लिक ऑन द शीट 1 टैब टू रीनेम इट एज टाइगर सेंसस। अब देखिए, शीट 1 जो है उसे हमें टाइगर सेंसस के नाम से सेव करना है, रीनेम करना है। एंड नाउ एंटर द डेटा, नाउ रीनेम शीट 2 एज टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स। तो शीट 1 को हमें टाइगर सेंसस से रीनेम करना है और शीट को हमें टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स से रीनेम करना है। ओके, सो लेट्स डू दिस प्रैक्टिकल, हाउ वी रीनेम द शीट्स। अब देखिए, यहाँ पे कुछ शीट्स 6 शीट शो हो रही है आपको, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 एंड शीट 6। हमें शीट 1 पे रीनेम करना है। तो वेन एवर आई डबल क्लिक, जैसे डबल क्लिक करा तो ये जो टेक्स्ट था वो ब्लैक में शो हो गया है। ओके, ब्लैक में शो हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे अब आप इसे एडिट कर सकते हो। सपोज मैं लिखती हूँ टाइगर सेंसस, TIGER, टाइगर सेंसस। ओके, सो नाउ इट changed with tiger census name. ओके, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे डेटा भी हमने कुछ एंटर किया हुआ है पहले से, जो नंबर ऑफ टाइगर्स अलग अलग ईयर्स में इन स्टेट्स में थे उसका पर्टिकुलर डेटा है. सो उसके अकॉर्डिंग हमने शीट का नाम रीनेम किया है टाइगर सेंसस के नाम से. सिंपल हमें यदि शीट 2 को भी चेंज करना है, इसे हमने डबल क्लिक करके सेट किया था, अब इसे हम राइट क्लिक करके सेट कर सकते हैं. ओके, सो राइट क्लिक करते हैं हम पहले यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन आता है रीनेम. आप देख रहे हैं शीट 2 पर मैंने जैसे ही राइट क्लिक किया तो आपको इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी और कुछ ऑप्शंस यहाँ से दिख रहे हैं. सो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रीनेम. ओके, आप हाइड भी कर सकते हो, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो. ओके, सो इस तरीके से राइट क्लिक से हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं शीट में. नाउ आई सिलेक्ट रीनेम ऑप्शन. जैसे ही रीनेम पे सिलेक्ट किया, शीट 2 ब्लैक कलर से सिलेक्ट हो गया है. ब्लैक कलर से जब भी डेटा सिलेक्ट होता है इट मीन्स अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं नंबर ऑफ टाइगर्स. यस, so as you know that the tiger census is the first sheet 1 and number of tigers is the second sheet and the data is also entered here. मैंने पहले से यहाँ data enter किया हुआ है. तो so this is the way to rename the sheets. आप further ऐसे sheets को rename भी कर सकते हो. Okay, now अभी हमने insert sheet कैसे करते हैं वो सीखा, rename कैसे करते हैं worksheet को वो सीखा. अब सेकेंड टॉपिक जो है आपके बुक में वो है क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर वर्कशीट. रेफरेंस का मतलब होता है कि आप वर्कशीट से कैसे, मल्टीपल वर्कशीट से कैसे आप डेटा को एक्सेस करते हो, है ना, किसी सेल के डेटा को एक्सेस करते हो. सेल में जो भी लिखा हुआ है या मल्टीपल सेल्स से आप डेटा को यदि एक्सेस करना चाहते हो तो हम यहाँ पर उसे रेफरेंसिंग बोलते हैं. अब रेफरेंसिंग 2 वेज के थ्रू पॉसिबल है, यूजिंग अ कीबोर्ड और यूजिंग अ माउस. सो फॉलोइंग आर द 2 वेज टू रिफर द सेल्स ऑफ द अदर शीट्स, यूजिंग अ कीबोर्ड एंड यूजिंग अ माउस. सो फर्स्ट हम देखते हैं यूजिंग अ कीबोर्ड, कि कीबोर्ड का यूज़ करके हम कैसे रेफरेंस करते हैं किसी सेल को अदर वर्कशीट की सेल के साथ. ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी डिस्कस द स्टेप्स. क्लियर? नाउ दिस इज द एक्सेल शीट जिसमें जिसका नाम हमने रीनेम किया था टाइगर सेंसस एंड नंबर ऑफ टाइगर्स. ओके, एज यू सी द एक्सेल शीट्स. अब यहाँ पे हमें कीबोर्ड का यूज़ करके कैसे हम किसी सेल का रेफरेंसिंग करते हैं. ओके, सपोज यहाँ पर ये शीट है नंबर ऑफ टाइगर्स, उत्तराखंड में टोटल कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं ये हमें कैलकुलेट करना है, जो कि डेटा कहाँ पर है, शीट 1 पर, टाइगर सेंसस शीट पर है कि 2010 में इतने टाइगर्स थे, 2014 में इतने, 2018 में इतने. तो हम इन तीनों सेल का जो डेटा है वो चाहते हैं शीट 2 पर, यहाँ पर इस सेल में, सेल नंबर B3 में. ओके, तो अब कीबोर्ड का यूज़ करके कैसे हम इसे एक्सेस करते हैं. हमने सेल सेलेक्ट किया, इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल का साइन लगा के हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है. एज यू नो सम फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द सम. नाउ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है टाइगर सेंसस, सेल का नाम, शीट का नाम. ओके, देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्लोज करने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद आपको वो रेंज लिखना है यहाँ पर जहाँ पर डेटा सेव है. सो B4 कॉलन D4, B4 से D4 पर डेटा सेव है. ओके, टाइगर सेंसस शीट पर. नाउ क्लिक ऑन एंटर. एंटर बटन को आपको प्रेस करना है. जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, एज यू सी 699 इज द टोटल सम ऑफ डिफरेंट टाइगर्स, नंबर ऑफ टाइगर्स इन उत्तराखंड स्टेट. क्लियर? तो इस तरीके से हमने कीबोर्ड का यूज़ किया है कैलकुलेट करने के लिए, और या हम बोल सकते हैं कि किसी अदर वर्कशीट से. ये अदर वर्कशीट है, जैसे आपको दिख रहा है 227, 30, 442 का टोटल कैलकुलेट होकर हमें यहाँ पर शो हो रहा था बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एज यू सी इन द स्टेट एड्रेस बार, सम टाइगर सेंसस B4 to D. सो फर्स्ट वी सी द स्टेप्स ऑफ यूजिंग कीबोर्ड. सिंपल 2 स्टेप्स मैंने यहाँ लिखी हुई है. ओपन द वर्कशीट इन विच यू वॉन्ट टू क्रिएट रेफरेंस, जिसमें रेफरेंस क्रिएट करना है उस वर्कशीट को आपको स्टार्ट करना है, ओपन करना है, फिर उस सेल को क्लिक करना है जिस सेल में आपको रेफरेंसिंग करना है. सपोज आई सेलेक्ट द B3 सेल. टू गेट द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन द उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड स्टेट में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने ये हमें गेट करना है. सो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला टाइप किया था B3 सेल में, एंड देन प्रेस द एंटर की. जैसे ही एंटर की प्रेस किया था तो 699 इज द टोटल हमारे सामने शो हो रहा था. ओके, नाउ सेकेंड इज यूजिंग अ माउस. माउस का यूज़ करके हम कैसे रेफरेंसिंग करते हैं. सो लेट्स सी द माउस रेफरेंसिंग. अब माउस रेफरेंसिंग देखना है, अगेन हम सेकंड सपोज उत्तर प्रदेश के लिए कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे माउस के रेफरेंसिंग करना है, हम सेम इक्वल लिखेंगे, सम टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, और हम नेक्स्ट शीट पे जाएंगे टाइगर सेंसस पे. और जैसे ही आप यहाँ जाते हो तो आपको सिंपल रेंज सेलेक्ट करना है जिसे आपको क्लिक करना है. कीबोर्ड टाइम पर हमने रेंज का नाम लिखा था, यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करना है. एज यू सी द रेंज इज B5 से D5 तक की रेंज हमने यहाँ सेलेक्ट की उत्तर प्रदेश के, नंबर ऑफ टाइगर्स की, अलग अलग ईयर्स की। इसका टोटल हमें सिंपल सेकंड वर्कशीट पे चाहिए ना। जैसे ही मैं सेकंड वर्कशीट पे जाती हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मूला टाइप हो चुका है। ओके नाउ यहाँ पर अब हम पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं एंड आफ्टर क्लोज दिस पैरेंथेसिस जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पे हमें टोटल शो होने लगेगा बाय यूजिंग माउस। यहाँ पे हमने माउस से क्या किया था, सेल को सिलेक्ट किया था। क्लियर। नाउ आई प्रेस द एंटर। एज यू सी द 408 इज द सम ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट्स टाइगर्स। क्लियर। सो होप आपको समझ में आया होगा कि हमने माउस और कीबोर्ड का यूज़ करके कैसे सेल्स को रेफरेंस किया है। अब यदि आपको टोटल स्टेट का सम चाहिए तो सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे सिलेक्ट करके। सो इसके थ्रू सारे स्टेट्स के टाइगर्स का सम हमारे सामने शो हो जाएगा विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। क्लियर। सो लेट्स सी इट्स स्टेप्स। ओपन द वर्कबुक दैट हैज बोथ द वर्कशीट्स। फॉर एग्जाम्पल शीट 1 टाइगर सेंसेस एंड शीट 2 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स। है ना, हमने वर्कबुक ओपन किया जिसमें दोनों शीट शो हो रही थी। ओपन द शीट इन विच द लिंक इज टू बी क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल शीट 2 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स। फिर हमें जस्ट लिंक को क्रिएट करना है। देन क्लिक ऑन द सेल B3 टू एंटर फॉर्मूला। B3 सेल सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला आपको लिखना है जस्ट सम और ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद में आपको उन सेल्स को सिलेक्ट करना है दूसरी शीट से। With the opening parenthesis, switch to sheet 1 and select the cell range that you wish to sum up. For example, select the cell range B4 to D4 to get the tiger count of the Uttarakhand state. है ना, यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की टाइगर्स को काउंट किया था जो प्रैक्टिकल हमने देखा है। सो सिंपल आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके हम यहाँ पर सेल्स की रेफरेंसिंग कर सकते हैं। सो नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर वर्कबुक्स। अभी हमने जो देखा वो सिंगल वर्कबुक के अंदर डिफरेंट वर्कशीट्स थी, उनके बीच में हम कैसे सेल रेफरेंसिंग करते हैं वो देखा था। नाउ हियर वी डिस्कस द हाउ वी क्रिएट रेफरेंस टू अदर वर्कबुक्स। अब बहुत सारी जो एक्सेल शीट्स होती हैं, मल्टीपल वर्कबुक्स होती हैं, उनमें हम कैसे सेल रेफरेंसिंग करते हैं वो देखते हैं। ओके सो उसके लिए हम एक फार्मूला या एक सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, वर्कबुक नेम, वर्कशीट नेम, देन सेल एड्रेस। मतलब जिस वर्कबुक से जिस वर्कशीट की जिस सेल को आपको रेफरेंस करना है वो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके, वर्कबुक नेम, वर्कशीट नेम एंड सेल एड्रेस। अब इसे भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड बाय यूजिंग माउस। सो लेट्स सी अबाउट हाउ वी डू दिस बाय यूजिंग कीबोर्ड। ओके सो हियर आई हैव 3 वर्कबुक्स। एज यू सी मेरे पास में 3 वर्कबुक्स हैं, वर्कबुक 1, वर्कबुक 2 एंड वर्कबुक 3। सो हम यहाँ पे वर्कबुक 1 और वर्कबुक 2 दोनों के सेल्स को वर्कबुक 3 पर चाहते हैं। सो वर्कबुक 3 जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, येस बैंक का मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, FD 60,000, अकाउंट बैलेंसेस 50,000। सिंपल मैंने यहाँ पर वर्कबुक 2 लिया हुआ है। वर्कबुक 2 SBI बैंक के लिए क्रिएट किया हुआ है, FD इज 50,000 एंड अकाउंट बैलेंस इज 1 लाख। ओके अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वर्कबुक 3 में टोटल FD कैलकुलेट होकर आ जाए और टोटल अकाउंट बैलेंस भी कैलकुलेट होकर आ जाए। तो अब हम इसके लिए 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड बाय यूजिंग माउस। तो हम पहले क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का यूज़ करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं सम, क्योंकि हम यहाँ पे वर्कबुक 1 जिसका नाम था येस बैंक की FD को प्लस वर्कबुक 2 जिसका नाम था SBI उसकी FD को टोटल करने वाले, वहाँ से हम उन दोनों सेल को रेफरेंस करने वाले इस सेल पर। क्लियर। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं सिंपल वर्कबुक 1। नाउ वी टाइप पैरेंथेसिस क्लोज। यहाँ पे हमने अब पैरेंथेसिस क्लोज कर दी और ये हमने पूरा पाथ लिख दिया है कि वर्कबुक 1 जो है उसकी शीट 1 से हमें B2 सेल को एक्सेस करना है। सिंपल हमने वर्कबुक 2 की शीट 1 की B2 सेल को एक्सेस करना है। नाउ देन प्रेस ओके। जैसे ही ओके प्रेस करूँगी आपके सामने दोनों वर्कबुक की उस सेल का रेफरेंस होके टोटल समअप होके हमारे सामने आंसर शो हो जाना है। सो एज यू सी 1,10,000 इज द आंसर ऑफ टोटल FD। सो ये था कीबोर्ड के थ्रू हम कैसे एक्सेस करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग माउस। सो फर्स्ट सी द स्टेप्स। ओपन वर्कबुक 3, क्लिक ऑन द सेल B2 एंड टाइप द फॉलोइंग रेफरेंस। हमने इस तरीके से रेफरेंस टाइप किया कि हमें वर्कबुक 1 से शीट 1 से B2 सेल को रेफरेंस करना है और वर्कबुक 2 से शीट 1 से B2 सेल को रेफरेंस करना है और उन दोनों का हमें सम कैलकुलेट करना है। जैसे आपने ये लिखा, एंटर प्रेस किया, प्रेस द एंटर की टू गेट द रिजल्ट और हमारे सामने रिजल्ट शो हो रहा था। सेकेंड इज यूजिंग अ माउस। अब माउस का कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी अबाउट इट। वापस वर्कबुक वन पे जाते हैं। वर्कबुक वन का अकाउंट बैलेंस 50,000 है, ओके, एज वर्कबुक टू का जो अकाउंट बैलेंस है वो 1 लाख है। तो यहाँ पर अब हम वर्कबुक थ्री पर आते हैं और वर्कबुक थ्री में जो सेकंड सेल है टोटल अकाउंट बैलेंस, इसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग माउस। ये बहुत सिंपल है माउस से कैलकुलेट करना, क्योंकि क्या होता है कि कीबोर्ड से जब आप टाइप करते हो तो कहीं ना कहीं एरर के चांसेस होते हैं। तो माउस इज़ द रियली वेरी इजी वे। आपको सिंपल इक्वल प्रेस करना है और सम क्लिक लिखना है, देन पैरेंथेसिस ओपन करना है, देन वर्कबुक वन पर जाना है। वर्कबुक वन पर जाकर आपको अकाउंट बैलेंस को सिलेक्ट करना है। अगेन गो बैक टू वर्कबुक थ्री। आप देख सकते हो वर्कबुक थ्री पे पूरा पाथ आ गया है। कॉमा प्रेस करना है, कॉमा लगाने के बाद वर्कबुक टू पे जाना है, अकाउंट बैलेंस को सिलेक्ट करना है, देन अगेन गो बैक टू वर्कबुक थ्री, पैरेंथेसिस क्लोज करना है, देन प्रेस एंटर। एज आई प्रेस एंटर यू सी द 1,50,000 इज़ द टोटल अकाउंट बैलेंस जो कैलकुलेट होके हमारे सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों वेज से कैसे अलग अलग वर्कबुक से हम सेल को रेफरेंस कर सकते हैं सीखा है। टोटल एफडी हमने कीबोर्ड के थ्रू किया और टोटल बैलेंस जो था वो हमने माउस के थ्रू किया है। ऑब्वियस माउस के थ्रू सेल रेफरेंसिंग करना बहुत इजी होता है। ओके, सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से माउस से रेफरेंसिंग किया है। और कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर जो मैंने लिखी हुई है। ओपन ऑल वर्कबुक्स, वर्कबुक 1, 2 एंड 3। मेक श्योर यू आर वर्कबुक 3 शीट 1 इन विच द लिंक इज टू बी क्रिएटेड, जहाँ पे हमें लिंक को क्रिएट करना है। क्लिक ऑन द सेल B2 वेयर द फॉर्मूला इज टू बी एंटर्ड लाइक टाइप इक्वल्स टू सम, और फिर यहाँ हमें सिलेक्ट करना है वर्कबुक 1 से शीट 1 से B2 सेल को। देन कम बैक टू द वर्कबुक 3 शीट 1 एंड टाइप कॉमा, then go back to the workbook 2 sheet 1 and click on the cell B2, select it, come back to the workbook 3 sheet 1 and type parenthesis close करना है, then press the enter key, observe the calculated value। फिर उसके बाद हमें calculated value मिल गई थी। So hope आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से हमने सिंगल वर्कबुक के अंदर अलग अलग वर्कशीट को यूज़ किया है सेल रेफरेंसिंग के लिए, और अलग अलग वर्कबुक से भी हमने सेल रेफरेंसिंग कैसे की है। हर सेल रेफरेंसिंग के लिए यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं हम, बाय यूजिंग कीबोर्ड और बाय यूजिंग माउस। माउस से रेफरेंसिंग करना बहुत इजी होता है, क्योंकि कीबोर्ड से जब आप रेफरेंसिंग करते हो तो कहीं ना कहीं वर्कबुक वर्कशीट को एक्सेस करने में, सेल को लिखने में एरर हो सकती है। ओके, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हाइपरलिंक्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट्स। हाइपरलिंक्स को हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में डिटेल में, हाइपरलिंक्स क्या होती हैं, कैसे क्रिएट किए जाती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, आज हम हाइपरलिंक्स का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, लाइक कैसे हम हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं एक्सेल में। ओके, सो एक्सेल इनेबल्स यू टू क्रिएट हाइपरलिंक फॉर मेनी डिफरेंट पर्पसेस इंक्लूडिंग हाइपरलिंक टू द शीट गोइंग टू अ सर्टेन लोकेशन विद इन द करंट वर्कबुक, linking with the external data, opening another document or getting to a specific place in that document, और navigating to a web page on the internet। मतलब हाइपरलिंक आप किसी सेल से डेटा को एक्सेस करने के लिए कर सकते हो, किसी अलग अदर वर्कबुक के से भी आप किसी सेल को एक्सेस करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हैं हम एक्सेस। कोई एक्सटर्नल डेटा को भी लिंक कर सकते हो। एक्सटर्नल डेटा इट मीन्स हम बोल सकते हैं इंटरनेट का कोई वेब पेज हो सकता है, या किसी और सॉफ्टवेयर का कोई फाइल हो सकता है, कोई डेटा सोर्स हो सकता है। तो हम किसी भी तरीके के डेटा को एक्सेल शीट में लिंक कर सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंसर्टिंग अ हाइपरलिंक, कि हाइपरलिंक को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू इट्स स्टेप्स लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल। यहाँ मैंने एक फाइल बनाई हुई है एक्सेल की, जिसमें मैंने टॉपिक लिखा हुआ है हाइपरलिंकिंग इन सेल। एक डमी मैंने डेटा यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है, प्रोडक्ट प्राइस 50, क्वांटिटी 1000, टोटल अमाउंट जो है वो 50,000 समथिंग कुछ है। अब हम ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट है उसे हमें किसी और शीट पर, किसी और सेल पर रेफर करना है। ओके तो हम एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लिक करें, अमाउंट पे क्लिक करें, तो वो अमाउंट हमारी शीट पे शो हो जाए। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल शीट 2 पे जाते हैं। ये शीट 1 पे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, नाउ आई गो फॉर शीट 2। नाउ यहाँ शीट 2 में हम कोई सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस सेल में सपोज हम क्लिक करते हैं अमाउंट। नाउ सिंपल हमें हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हैं और इंसर्ट में आपको हाइपरलिंक नाम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम सिंपल क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हो तो आप हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है, इंसर्ट हाइपरलिंक। यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले जो फर्स्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले ये ऑप्शनल होता है, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख भी सकते हो या ऑटोमेटिकली आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सेल सिलेक्टेड किया है उसका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है। टाइप द सेल रेफरेंस, जिस सेल कि आपको लिंकिंग करनी है वो सेल का नाम यहाँ लिखते हैं, और जिस शीट पर आपको लिंक करना है, सपोज हमने शीट 1 को लिंक करना है यहाँ पर अमाउंट वाले टेक्स्ट के साथ, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं शीट 1। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगी आपको ये जो अमाउंट लिखा हुआ दिख रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइपर लिंक में। ओके, एज आई क्लिक ऑन ओके आप देख रहे हो कि अमाउंट किस में चेंज हो गया है, एक ब्लू कलर के टेक्स्ट में चेंज हो गया है, और उसके नीचे अंडरलाइन आपको शो हो रहा है। क्लियर है, दिख रहा है आपको इसके नीचे अंडरलाइन शो हो रहा है अमाउंट के नीचे। ओके, अभी ये हाइपरलिंक क्रिएटेड है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हम किस शीट पे पहुँच जाएंगे, जिस शीट को हमने लिंक किया है शीट 1, जहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल है। ओके, एज आई क्लिक ऑन दिस लिंक हम उस शीट पे पहुंच जाने वाले हैं, और जब हम वापस इस शीट पे आएंगे तो इस हाइपरलिंक का कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसे विजिट नहीं किया है। जब हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो हम हाइपरलिंक को विजिट कर लेंगे, और उसके बाद विजिटेड लिंक का कलर चेंज हो जाता है। ओके, नाउ आई क्लिक ऑन दिस लिंक। जैसे ही मैंने क्लिक किया हम शीट 1 पर हाइपर लिंक इन एक्सेल वाली फाइल पर आ चुके हैं। ओके, नाउ अगेन गो टू द शीट 2। जैसे मैं शीट 2 पे जाती हूँ आप देखें हाइपर लिंक का कलर ब्लू से कैसा हो गया है, समथिंग पर्पल लाइक कलर हो गया है, क्योंकि अब ये विजिटेड लिंक हो चुकी है। ओके, सो ये सिंपल हम जब इंटरनेट पे भी एक्सेस करते हैं हाइपर लिंक्स को तो इस तरीके से ही शो होती है। सो होप आपको समझ में आया होगा कि हम हाइपर लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। सिमिलरली आप अलग अलग वर्कबुक के लिए भी हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। ओके, अलग अलग वर्कबुक के लिए भी हाइपर लिंक सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर वर्कशीट के लिए क्रिएट किया। So let's go for its steps. अब हम इसके steps देख लेते हैं। Click on the cell where you want to insert a hyperlink or select the cell that you want to put as a hyperlink. Choose insert option, then select hyperlink. The insert hyperlink dialog box appears. Select the place in this document category in the dialog box. Choose the following options to create a hyperlink at a particular place in the current workbook. In the text to display text box, type the text is to be displayed as the linked text. This is an optional field by default. है ना, जो text to display वाला field था जिसमें amount लिखा हुआ शो रहा था वो by default होती है, मतलब वहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप लिखो, आप किसी भी cell को select कर सकते हो। ओके, इन द टाइप द सेल रेफरेंस टेक्स्ट बॉक्स एंटर द रेफरेंस ऑफ सेल्स। सेकंड जो था वो था टाइप द सेल रेफरेंस, उसमें हमने क्या किया था, सेल का रेफरेंस किया था जिस सेल को हमें लिंक करना है। In the select a place in the document section, choose from the list of sheets. फिर हमने शीट 1 सेलेक्ट किया था, शीट की लिस्ट ओपन थी वहाँ से हमने शीट 1 सेलेक्ट किया था। क्लिक ऑन द ओके टू इंसर्ट द लिंक, देन क्लिक ऑन ओके। ये जो स्टेप्स हैं इसमें वो 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं जो हमने डायलॉग बॉक्स में फिल किए थे। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे हाइपर लिंक को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। अब देखिए अभी हमने एक वर्कशीट के अंदर ही लिंकिंग किया था, अब यदि आपको एक्सटर्नल डेटा समझते हैं मतलब कोई डॉक फाइल या कोई वेब पेज है ना, या फिर आपको कोई अदर डेटा सोर्स लिंक करना है तब हम कैसे करेंगे, या कोई अदर वर्कबुक को लिंक करना है। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं आज। टू लिंक अ स्प्रेडशीट विद एन एक्सटर्नल फाइल, वेब पेज, डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस, है ना। आप एक्सटर्नल डेटा मतलब जो भी कोई अदर डॉक्यूमेंट हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, वेब पेज हो गया, उसे आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट हम लिंक कर रहे हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। जब आपके सिस्टम पर, कंप्यूटर पर कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है और उसे आप लिंक करना चाहते हो तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। ओके, सपोज ये हमारी हाइपर लिंक वाली फाइल है, यहीं पर हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो सिस्टम में पहले से फाइल है उसे हम लिंक करना चाह रहे हैं वर्कबुक को या किसी अदर डॉक्यूमेंट को। सिंपल हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करके हमने हाइपर लिंक पे जाना है। ओके, जैसे ही आप हाइपर लिंक पे जाते हो तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्या होता है, ऑप्शनल होता है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ शीट का नाम और टेक्स्ट का सेल का नाम लिखा हुआ है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई अदर डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, तो अदर डॉक्यूमेंट नाम की मैं लिंक क्रिएट करती हूँ यहाँ पर। ओके, नाउ टाइप द रेफरेंस। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस टाइप करना है। ओके, फर्स्ट वी सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग फाइल ऑफ वेब पेज, फर्स्ट वी सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और यहाँ पे आपको जिस टेक्स्ट को लिंकअप करना है वो है अदर डॉक्यूमेंट, हमने लिख दिया है जिस सेल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। नाउ अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको आपको लिंक करना है। सपोज वर्कबुक 1, ओके वर्कबुक 1 को मुझे लिंक करना है। नाउ क्लिक ऑन ओके। ध्यान से समझिए, फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। आप वेब पेज को भी एक्सेस कर सकते हो और आप यहाँ पर किसी फाइल को भी यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट टू डिस्प्ले ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है क्योंकि हम किसी अदर डॉक्यूमेंट को लिंकअप कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ से लुक इन से जो भी शीट आपको चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, देन क्लिक ऑन ओके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको। ओके, दिस इज़ दी अदर डॉक्यूमेंट। अभी ये लिंक हो चुका है, हाइपरलिंक बन चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो हम अदर वर्कबुक, जो वर्कबुक 1 हमने सेलेक्ट किया था, वहाँ पे हम चले जाने वाले हैं। आप जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर गई, आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ शो हो रहा है पूरा पाथ उस वर्कबुक का कि इस लिंक पर से हम कहाँ जाने वाले हैं। डेस्कटॉप पर सी ड्राइव के अंदर यूनिट 2 में वर्कबुक 1.xls नाम की एक एक्सेल शीट बनी हुई है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम वहाँ मूव हो जाएंगे। नाउ आई क्लिक ऑन अदर डॉक्यूमेंट। एज यू सी दिस इज़ द वर्कबुक 1। आपको यहाँ दिख रहा है ये वर्कबुक 1 पे हम आ चुके हैं और वर्कबुक 1 जो हमने बनाई थी वो है येस बैंक की एफडी टोटल अमाउंट बैलेंस। तो हम ये वर्कबुक 1 पर पहुँच चुके हैं। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी अदर डॉक्यूमेंट की लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं वापस आई अपने डॉक्यूमेंट पे, तो आपको ये अदर डॉक्यूमेंट कैसे शो हो रहा होगा, पर्पल कलर का शो हो रहा है क्योंकि हम इस लिंक को विजिट कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। It enables you to create a hyperlink to access a web address normally starting with HTTP. Okay, अभी हमने हमारी Excel फाइल को ही एक्सेस किया था। आप यदि कोई वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हो तो HTTP के साथ आप पूरा URL लिख सकते हो। Enter the URL in address section, then click OK to insert the link. सिंपल, हम वर्कबुक को भी इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब यदि आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है ना, तो नया डॉक्यूमेंट आप हाइपरलिंक से कैसे क्रिएट करते हो, नाउ वी सी दैट कि कैसे हम हाइपरलिंक से कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ओके, सपोज इस सेल पर हम नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले हैं। अगेन गो बैक टू इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पे जाते हैं हम। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट दिस। जैसे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करते हो आप, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, सपोज टेक्स्ट टू डिस्प्ले में हम लिख देते हैं कि हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। अब नेम, आप न्यू डॉक्यूमेंट का क्या नेम देना चाहते हो, कहाँ पे वो न्यू डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, ओके, सो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। सपोज न्यू डॉक्यूमेंट ही आप क्रिएट कर रहे हो, न्यू एक्सेल फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, तो न्यू एक्सेल फाइल डॉक्यूमेंट का नाम देना है जिस नाम से आपको उसे सेव करना है, तो न्यू एक्सेल फाइल से वो नाम सेव हो जाना है। देन क्लिक ऑन ओके। ये न्यू एक्सेल फाइल हमारे सामने ओपन होके शो हो रही है। देखिए ये न्यू एक्सेल फाइल शो हो रही है, मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट नाम की लिंक क्रिएटेड है, आपको दिख गया कि न्यू डॉक्यूमेंट नाम की लिंक क्रिएट हो गई है। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया था न्यू डॉक्यूमेंट हमारे सामने क्रिएट हो गया था। नाउ आई जस्ट क्लिक, अब मैं आपको क्लिक करके बताती हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो एक नया एक्सेल फाइल हमारे सामने शो हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट की लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट की भी आप एक हाइपर लिंकिंग क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट्स स्टेप्स। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इट क्रिएट्स अ हाइपर लिंक टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। इन द टेक्स्ट टू डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स, स्पेसिफाई द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड एज अ लिंक। Specify the name for the new workbook in the name document section. Name document section में हमने जो new file या new workbook आपको create करना है उसका नाम लिखा था। You can also choose whether the document is to be edited now or later by choosing the respective radio buttons. हम उसमें options को select कर सकते हैं कि आपको उसी time पर उसमें editing करना है या नहीं, या later आप उसमें editing कर सकते हो, या कोई radio buttons को भी हम वहाँ पर add कर सकते हैं। मतलब जब आप बटन पे क्लिक करोगे तब भी एक new विंडो या एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाना है। ओके, तो तरीके होते हैं अलग अलग न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के हाइपर लिंकिंग से। क्लिक ऑन ओके टू इंसर्ट द लिंक। जैसे ही ओके पे क्लिक किया था नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने स्टार्ट हो गया था। जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तब भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट शो हो रहा था। ओके, नेक्स्ट इज ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस से हम कैसे लिंकिंग करते हैं, तो ईमेल एड्रेस से भी आप लिंकिंग कर सकते हो। सिंपल, जैसे हम ईमेल एड्रेस से भी हम लिंकिंग कर सकते हैं। सिंपल, ईमेल एड्रेस से लिंकिंग करने के लिए हम एक न्यू सेल सेलेक्ट करते हैं। सपोज अब इस सेल में हमें लिंकिंग करना है, ओके, ईमेल एड्रेस के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा वो वेबसाइट खुल जाए जहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस होता है। ओके, नाउ क्लिक ऑन हाइपरलिंक, सेलेक्ट द फोर्थ ऑप्शन ईमेल एड्रेस। जैसे ईमेल एड्रेस पे आप क्लिक करते हो टेक्स्ट टू डिस्प्ले, तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आप लिख दो यहाँ पर अपना ईमेल चाहो तो, या फिर अपना ईमेल एड्रेस भी आप लिख सकते हो, या जिस मेल आईडी को आप चाहते हो वो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट में डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके, सपोज मैंने यहाँ जीमेल लिखा है, आप अपना यहाँ ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर अभी जीमेल लिख रही हूँ। ओके, gmail.com। यू जस्ट राइट द ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट जो मैसेज आपको डिस्प्ले करवाना है, वेलकम। ओके, सपोज मैं यहाँ लिख ही देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, xyz एकदम ही ईमेल एड्रेस मैं लिख देती हूँ। नाउ ओके, यहाँ पे आपको रिसेंटली यूज्ड ईमेल एड्रेस की लिस्ट भी शो हो जानी है। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स खाली दिख रहा है, जो सेल आपको खाली दिख रही है, वहाँ पर जीमेल लिखा हुआ शो होगा। और जब आप जीमेल पे क्लिक करोगे तो आप जीमेल की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, जहाँ पे आप ये ईमेल एड्रेस एक्सेस कर सकते हो। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। देखिए जैसे ओके पे क्लिक किया है, आपको यहाँ दिख रहा है जीमेल ब्लू कलर से लिंक क्रिएट हुआ है, जीमेल का ब्लू कलर से। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो हम कहाँ पहुँच गए, जीमेल के इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी आपके पास में सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर आप टाइप करके एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेब एड्रेस को, ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूँ, अदर डॉक्यूमेंट पे हमने क्या किया था, किसी अदर वर्कबुक को या कोई अदर डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया था। न्यू डॉक्यूमेंट से हमने नया डॉक्यूमेंट की लिंक क्रिएट किया था। सपोज आई क्लिक हियर, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो कोई अदर वर्कबुक पे हम पहुंच जाते हैं। और जब हम जीमेल पे या किसी ईमेल, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस भी टाइप कर सकते हो, जब यदि कोई आप जीमेल एड्रेस पे क्लिक करते हो तो आप अपने जीमेल आईडी पर पहुँच जाते हो। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पर हाइपर लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट्स स्टेप्स। यस, It creates a link to send an email message. Specify the following in the dialog box. जो dialog box आपके सामने ओपन हुआ था, वहाँ हमने text to display section में by default Gmail enter किया था। In the email address section, the mail in the subject text box. फिर हमने email address enter किया, फिर उसके बाद में हमने subject enter किया। After that click, after click on OK, the email link is inserted. Email link जो थी वो insert हो गई थी। Okay? सो यहाँ तक था जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। हम हाइपर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। जो 4 वेज हमने यहाँ डिस्कस किया, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और ईमेल एड्रेस। होप आप सभी को समझ भी आया होगा। इसका प्रैक्टिकल करके आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स से आप बहुत अच्छे से अवेयर है। मेल मर्ज वाला जो चैप्टर था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में, उसमें डेटा सोर्स आप सभी को पता था, जो रो कॉलम में डेटा एंटर होता है। कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर से जब आप डेटा सोर्स क्रिएट करते हो तो उन्हें हम कैसे इंपोर्ट करते हैं हमारी एक्सेल शीट में। ओके, तो यहाँ पर हमने जो डेटा सोर्स क्रिएट किया हुआ है वो किया है MS एक्सेस में। ओके, इन एक्सेल यू कैन इंसर्ट डेटा इन स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज। डिफरेंट मतलब अलग अलग एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आप टेबल में डेटा सोर्स को एक्सेस कर सकते हो, सच एज फ्रॉम MS एक्सेस, वेब टेक्स्ट और अदर सोर्स लाइक SQL सर्वर एंड XML डेटा इंपोर्ट। SQL सर्वर और XML भी क्या है, एक रो कॉलम वाले डेटाबेस सॉफ्टवेयर से जिसमें डेटाबेस क्रिएट होते हैं। When you import data, you make a permanent connection that can be refreshed whenever required. जब आपको डेटा सोर्स को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे वो उसका कनेक्शन परमानेंट होना चाहिए, ताकि जब आप रिफ्रेश करो तो वो डिलीट ना हो, एज इट इज़ रहे। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट्स प्रैक्टिकल दैट हाउ वी इंपोर्ट डेटा सोर्स फ्रॉम एक्सेल शीट। ओके, सो यहाँ पर मैंने शीट 3 ओपन किया हुआ है। अब इस शीट 3 में हमें डेटा को इम्पोर्ट करना है, डेटा सोर्स को इम्पोर्ट करना है। तो डेटा सोर्स को सपोज हमें इस कॉलम से इम्पोर्ट करना है, तो अब हम क्या करेंगे इम्पोर्ट करने के लिए, सिंपल हमें क्लिक करना है डेटा टैब पर। डेटा टैब पर जैसे ही मैंने क्लिक किया सो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं। इन ऑप्शंस में से गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप से फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्रॉम एक्सेस, इस पे हमें क्लिक करना है। अब गेट एक्सटर्नल डेटा मतलब एक्सटर्नल डेटा अदर देन एक्सेल। एक्सेल के बाहर से यदि आपको कोई डेटा को एक्सेस करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस पे जैसे मैं कर्सर लेकर गई हूँ आपको दिख रहा है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से डेटा को एक्सेस करना है तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करा आपको दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स को यहाँ से आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। सपोज डेटा सोर्स मेरा डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे डेटाबेस 1 ये क्रिएटेड है MS एक्सेस में ऑलरेडी, इसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है। देन क्लिक ऑन ओपन। जैसे ही ओपन पे क्लिक किया तो इम्पोर्ट डेटा डायलॉग बॉक्स आ गया। इंपोर्ट डेटा डायलॉग बॉक्स में क्या होता है कि आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपको टेबल सिलेक्ट करना है, पाइवट टेबल, रिपोर्ट या कोई चार्ट या कोई रिपोर्ट आपको शो करवाना है, जो भी आपको शो करवाना है। डेटाबेस में मैंने टेबल क्रिएट करवाई थी, वो टेबल कहाँ पे शो होगी? C3 सेल पर, जो ये सेल सिलेक्टेड है यहाँ पर। ओके, यहाँ से आप सेल को चेंज भी कर सकते हो। सो सपोज टेबल ही हमें शो करवाना है, टेबल सिलेक्ट कर लिया, एग्जिस्टिंग जो सेल एड्रेस है वो भी सही है। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये डेटा वहाँ से हमें यहाँ शो होने लग गया है। मतलब डेटाबेस में जो हमने टेबल बनाई हुई थी वो टेबल हमें यहाँ शो हो रही है। ओके, जो नेम थे, कुछ क्लास थी स्टूडेंट्स की, कुछ फ़ोन नंबर्स थे, तो ये सिलेक्टेड डेटा जो वहाँ टेबल में सेव था डेटाबेस में MS एक्सेस में, वो MS एक्सेस का डेटा हमें यहाँ पर शो हो रहा है बाय इम्पोर्टिंग डेटा सोर्स। ओके तो ये इम्पोर्टिंग डेटा सोर्स की कुछ स्टेप्स थी जो हमने यहाँ पे की। सपोज अब हम इसकी स्टेप्स डिस्कस करते हैं। Open the Excel worksheet in which data is to be inserted from an external source. Open the data tab and choose the from access option. Get the external data group. Okay, external data group से हमने from access को select किया। जैसे ही आप select करते हो, the select data source dialog box open. Choose a database file. हमने desktop से database file को select किया था, then click on open. द सिलेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन, चूज द डिजायर्ड टेबल। इस तरीके से इम्पोर्ट डेटा वाला डायलॉग बॉक्स आया था, यहाँ हमने टेबल को सिलेक्ट किया था। द इम्पोर्ट डेटा डायलॉग बॉक्स ओपन। ओके, अब यहाँ आपने टेबल सिलेक्ट कर लेनी है, देन टेबल के अंदर फिर आपको ओके क्लिक कर देना है। द एक्सेस इज डिस्प्लेड इन द वर्कशीट। वर्कशीट में आपको जो एक्सेस्ड डेटा है वो शो होने लग जाएगा। द डेटा कैन बी सर्च्ड एंड सॉर्टेड यूजिंग द फिल्टर्स displays along with the fields. Filtered data हमें show होगा। The data can be formatted using the various options available in the design tab. आप वहाँ से data को format भी कर सकते हो, उसमें जो filter आपको apply करना है वो भी कर सकते हो। So इस तरीके से हम data को import कर सकते हैं किसी भी other external data source से। So आज हमने इस video में देखा है कि हम कैसे किसी एक्सेल शीट में किसी सेल को लिंक कर सकते हैं, अदर वर्कशीट को लिंक कर सकते हैं, कोई अदर वर्कबुक को लिंक कर सकते हो, किसी वेब पेज को लिंक कर सकते हो, या फिर आप किसी अदर डेटा सोर्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट्स के कुछ प्रैक्टिकल्स। ओके, सो इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं और जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, जिस भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर सबसे पहले प्रैक्टिकल वीडियोस देखिए, क्योंकि आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो जब तक आप चैप्टर नहीं समझोगे तब तक कुछ समझ नहीं आना है। आज हम चैप्टर नंबर 7 लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट्स का असेसमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट द असेसमेंट पार्ट। लेट मी रिवाइज दिस होल चैप्टर। जो चैप्टर हमने पूरा डिस्कस किया है प्रैक्टिकल के साथ लेकर थ्योरेटिकल पार्ट, तो आज हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट। सो आपके चैप्टर का नाम है लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट। ओके, अब स्प्रेडशीट आप सभी को पता है एक्सेल की जो शीट्स होती है, वर्कबुक्स होती है, उसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, है ना। और डेटा उस शीट में जो आप लिखते हो, जो टैबुलर फॉर्म में डेटा एंटर करते हो, ओके, रो कॉलम में, सेल्स में जो भी डेटा आप एंटर करते हो, जो भी लिखते हो आप, वो डेटा कहलाता है। अब इस चैप्टर में हमने ये देखा कि हम कैसे अलग अलग वर्कबुक्स को या किसी सेल पे जो लिखा हुआ डेटा है उसको कैसे लिंक करते हैं। ओके, होप आप सभी को प्रैक्टिकल्स भी समझ आए होंगे। क्लियर? तो अब इसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हाउ वी इंसर्ट वर्कशीट, कि वर्कशीट को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वर्कशीट को इंसर्ट करने के कुछ 3 वेज मैंने आपको बताए थे। Shift+F11 इज द शॉर्टकट की, वहां से भी हम वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और राइट क्लिक करके भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। होम में इंसर्ट टैब पे जाते हो, वहां से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड इज रीनेम द वर्कशीट। वर्कशीट को आप कैसे रीनेम कर सकते हो, तो रीनेम करना भी मैंने बताया। शीट पे जब आप राइट क्लिक करते हो, जो नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा रहता है, वहां राइट क्लिक करते हो, वहां से भी रीनेम कर सकते हैं हम। ओके, या शीट 1 पे आप जब डबल क्लिक करते हो तब भी हम रीनेम कर सकते हैं। तो बहुत ईजी वे थी ये। थर्ड हमने पढ़ा था कि हम कैसे लिंकिंग करते हैं, लिंकिंग इन द सेंस कि हम कैसे सेल को रेफरेंस करते हैं। लिंकिंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल रेफरेंसिंग की। ओके, सेल को रेफरेंसिंग करना, तो सेल को रेफर करने के लिए, रेफरेंस करने के लिए हमने 2 वेज पढ़ी थी, बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड बाय यूजिंग माउस। कीबोर्ड में हम पूरा पाथ लिखते हैं, लाइक वर्कबुक 1 का वर्कशीट 1 से हमें कोई सेल B4 को एक्सेस करना है तो हमने पूरा पाथ लिखा था, ओके। या आपको किसी सेल का एड्रेस चाहिए, जैसे हमने सम वाला एग्जांपल किया था कि सम इक्वल्स टू, और फिर हमने माउस से सेल्स को एक्सेस किया था अलग वर्कशीट्स की। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सेल्स की रेफरेंसिंग करते हैं, ओके। या हम बोल सकते हैं कि सेल को लिंक करते हैं किसी और दूसरी वर्कबुक पर। फोर्थ हमने जो यहाँ रीड करा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करना भी आप सभी को पता है। इट मींस जब भी कोई टेक्स्ट आपने लिखा है उस पे जब आप क्लिक करते हो, है ना, तो क्लिक करने से क्या होता है, अनदर पेज ओपन हो जाता है। तो वो जो टेक्स्ट है वो कैसा शो होता है, अंडरलाइन के फॉर्म में शो होता है, ओके। मतलब उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होती है। इट मींस वो कौन सा टेक्स्ट होता है, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक से हम किसी सेल को भी हाइपरलिंक कर सकते हैं, कोई न्यू डॉक्यूमेंट को भी आप क्रिएट कर सकते हो, किसी अदर फाइल को भी आप हाइपरलिंक कर सकते हो, या किसी वेब पेज को भी आप हाइपरलिंक कर सकते हो, अपने किसी ईमेल एड्रेस की भी आप लिंक सेट कर सकते हो एक्सेल में। फिफ्थ हमने जो डिस्कस किया इसमें वो था इंपोर्ट डेटा सोर्स, है ना। डेटा सोर्स को हम कैसे एक्सेल शीट पे इंपोर्ट करते हैं। तो डेटा सोर्स मतलब हमने क्या एक्सेस किया था, MS Access सॉफ्टवेयर। MS Access सॉफ्टवेयर से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस में कुछ टेबल थी, तो उस टेबल को, वो टेबल में भी डेटा कैसे था, रो कॉलम में ही था, ओके। रो कॉलम्स के डेटा को हमने MS Access से एक्सेल में इंपोर्ट किया था। एक्सटर्नल डेटा को, मतलब किसी और सॉफ्टवेयर की किसी फाइल को हमने एक्सेल में इंपोर्ट किया था बाय यूजिंग इंपोर्ट ऑप्शन, ओके। तो ये कुछ टूल्स थे या कुछ टॉपिक्स थे जिनका यूज हमने इस चैप्टर में किया था, लिंकिंग करने के लिए, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। सो आज हम इन चैप्टर्स का असेसमेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर के एंड में आपको शो होगा, ओके। सो असेसमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट इज इन द फॉर्मूला सम इक्वल्स टू रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स कॉलन एक्सक्लेमेटरी मार्क B4 टू D4। बहुत ध्यान से समझिए ये क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओके। मतलब किसी सेल में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सम इक्वल्स टू, सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के लिखा है B4 टू D4। मतलब B4 टू D4 मतलब हमें क्या करना है, एक शीट है, वर्कशीट है, उस वर्कशीट में B4 से D4 के डेटा को सिलेक्ट करना है। सपोज ये एक वर्कशीट है, ओके। अब यहाँ पर A, B, C और D, ओके। अब 1, 2, 3 और 4 ये कुछ डेटा है। तो B4 से D4 तक के हमें डेटा को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे जब इस तरीके के डेटा को हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल, किसको एक्सेस करना है, रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट वर्कशीट को एक्सेस करना है। मतलब इस वर्कशीट का नाम क्या है, रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स में जो ये B4 वाली सेल है ना, यहाँ पर है B4, ये B4, ये C4, ये D4, यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है सपोज। तो इस सेल को हमें सिलेक्ट करना है और इस वर्कशीट का नाम है रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट, ओके। अब इसको लिखा किस तरीके से है, सम इक्वल्स टू, मतलब कुछ ऐसा लिखा है कि सम इक्वल्स टू शीट का नाम, वर्कशीट का नाम लिखा है यहाँ पर, कॉलन एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेल की रेंज लिखी है कि B4 से D4। तो ये तो समझ में आया, मैंने अभी समझाया। सम का मतलब होता है सम इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एडिशन। तो B4 से D4 की सेल में जो नंबर्स लिखे उनको ऐड करके हमें शो करेगा ये फंक्शन, ओके। सो यदि इस तरीके से कुछ लिखा होता है तो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, ये जो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट शीट का नाम है, ओके, वो क्या है, शीट नेम है, रेंज है या डेटाबेस है। अब देखिए डेटाबेस तो है नहीं, क्यों, क्योंकि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं। रेंज B4 से D4 है, इसे रेंज बोलते हैं। सेल में जो आप सिलेक्ट करते हो उसे रेंज कहते हैं। अब रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट क्या है, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि पहले हमें शीट का नाम लिखना होता है, तो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट क्या है, शीट का नाम है, ओके, क्लियर। ये जो वे है, बाय यूजिंग कीबोर्ड हम सेल को रेफर कर रहे हैं, क्लियर, होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट इज Which of the following is relative hyperlink? अब hyperlink दो टाइप की होती है, मैंने आपको समझाया था, absolute hyperlink and relative hyperlink। तो दो टाइप की hyperlink में क्या difference है? Absolute hyperlink में हमें पूरा address लिखना होता है, full address। Suppose आप कोई web page को access कर रहे हो, तो web page का पूरा address like HTTP है ना। तो hyperlink कैसी होती है, दो टाइप की होती है, absolute and relative, ओके। Absolute में हमें क्या mention करना होता है, full address, ओके, लाइक HTTP प्रोटोकॉल का नाम लिखते हैं पहले हम, डबल कॉलन www.magnetbrains.com. ओके, फिर इसके अंदर आपको क्लास 10 को रिफर करना है, तो क्लास 10, फिर क्लास 10 के अंदर हमें रिफर करना है कौन सा सब्जेक्ट, सपोज कंप्यूटर सब्जेक्ट को आपको रिफर करना है. कंप्यूटर में आपको चैप्टर 2 की वीडियोस देखना है, चैप्टर 2 में आपको ग्राफिक्स कैसे ऐड करते हैं वो देखना है. तो ये पूरा पाथ हो गया जिसे हम बोलते हैं फुल एड्रेस, जो कौन से लिंक में आता है, एब्सोल्यूट लिंक में आता है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में आता है. ओके, अब हम बात करते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक की. तो रिलेटिव हाइपरलिंक में हम क्या लिखते हैं, पार्शियल एड्रेस लिखते हैं. क्या लिखते हैं हम, पार्शियल एड्रेस. तो पार्शियल एड्रेस क्या होता है, सिर्फ इतना सा जो सिंगल स्लैश से लिखा जाता है. सपोज आपको ग्राफिक्स को ऐड करना है, ओके, तो पार्शियल एड्रेस हमेशा किससे स्टार्ट होता है, रिलेटिव लिंक का सिंगल स्लैश से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कुछ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव हाइपरलिंक. यहाँ पे कुछ हाइपरलिंक्स हैं, तो इनमें से कौन सी हाइपरलिंक रिलेटिव है. https.www.google.com नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पूरा पाथ आपको शो हो रहा है, तो ये तो एब्सोल्यूट हो गई. सिंगल स्लैश picture.jpeg मे बी ये हो सकती है. ट्रिपल स्लैश picture.jpeg ये नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल स्लैश है. ट्रिपल स्लैश कभी भी नहीं आते हैं किसी भी फाइल के पाथ के आगे, ओके, या किसी भी जो आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हो उसमें. तो कौन सा आंसर सही है, सिंगल स्लैश picture.jpeg. क्यों, क्योंकि picture.jpeg सिंगल स्लैश के साथ में क्या शो कर रहा है, एक पार्शियल एड्रेस को शो कर रहा है. ओके, और फुल पाथ वाली कौन सी होती है, एब्सोल्यूट लिंक होती है. सो होप यू क्लियर दिस थिंग. Next is the hyperlink option is available in dash tab. Hyperlink option कौन से टैब में मिलता है, MS Excel के बहुत सारे टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, व्यू, डेटा, रेफरेंसेस, है ना. तो अब कौन से टैब में हमें हाइपरलिंक ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट में, व्यू में, डेटा में. आप सभी को पता है हाइपरलिंक को हमें क्या करना है, एक्सेल शीट में इंसर्ट करना है. तो इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. ओके, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इट ओपन्स द सिलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स. कौन सा ऐसा टूल है जो सिलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है. ओके, इंसर्ट, डेटा फ्रॉम एक्सेस, डेटा और कंसोलिडेट. अब देखिए, इंसर्ट तो हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंसर्ट से तो आप हाइपरलिंक इंसर्ट करते हो, कुछ शेप्स को इंसर्ट करते हो ना, इंसर्शन का बेसिकली काम होता है. डेटा सोर्स को सिलेक्ट नहीं करते हम इंसर्ट ऑप्शन से. ओके, अब डेटा कंसोलिडेट भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी रॉन्ग आंसर है. डेटा में कंसोलिडेट जब यूज करते हैं तो कंसोलिडेट का मतलब हमने फर्स्ट जो 6 चैप्टर था उसमें अच्छे से पढ़ा था, तो ये भी नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डेटा के अंदर जब आप फ्रॉम एक्सेस को क्लिक करते हो तब आप डेटा सोर्स को सिलेक्ट करते हो. आप सभी ने देखा होगा डेटा ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, गेट एक्सटर्नल डेटा वाला ग्रुप मिलता है ना, गेट एक्सटर्नल डेटा. और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है फ्रॉम एक्सेस. और जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है. उस डायलॉग बॉक्स में हम सिलेक्ट करते हैं डेटाबेस को. जब आप डेटाबेस को सिलेक्ट करते हो और फिर यहाँ ओपन पर क्लिक करते हो तो वैसे ही आपके सामने इंपोर्ट डेटा वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है. कौन सा, इंपोर्ट डेटा. और यहाँ पे फिर हमने टेबल सेलेक्ट करना है, देन फिर ओके पे क्लिक करना है. तो जो भी टेबल सेलेक्ट आप कर रहे हो वो टेबल एक्सेल में इंपोर्ट हो जाती है. ओके, तो सिंपल, यदि आपको डेटा सोर्स को सिलेक्ट करना है तो हम किस स्टेप को फॉलो करते हैं, डेटा पे क्लिक करते हैं, गेट एक्सटर्नल डेटा में से फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करते हैं, डायलॉग बॉक्स में से डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं और डेटा को इंपोर्ट करते हैं. ओके, सो ये पूरी होल प्रोसेस थी डेटा को इंपोर्ट करने की. मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करवा दिया है. नेक्स्ट इज What is the keyboard shortcut to insert hyperlink? देखिए, अब वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की तो मैंने आपको बताई थी, शिफ्ट F11. यदि आपको हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है तो सिंपल हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, है ना, और फिर हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं. अब ऐसा नहीं करना है, हमें शॉर्टकट की से हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है, तो आप कौन सी की यूज करते हो, Ctrl H, Ctrl I या Ctrl K. बता देती हूँ मैं. Ctrl H जो है वो होती है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की. किसकी होती है, फाइंड एंड रिप्लेस की. और Ctrl I जो होती है वो होती है इटैलिक करने की. टेक्स्ट को इटैलिक सबने देखा है ना कैसा होता है, ऐसा जैसे बैकस्लैश होते हैं ना, फॉरवर्ड ऐसे आड़े में शो होने लगता है. ओके, इटैलिक से. कंट्रोल के बचा अब ऑप्शन, तो कंट्रोल के से हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक को इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंसर्ट हाइपरलिंक। समझ में आया। तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस के। क्लियर। आप एक बार सारी शॉर्टकट कीज को भी समझ लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं जो आपकी बुक में चैप्टर के बाद दिए हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा एनेबल्स यू टू कीप द इंफॉर्मेशन। जब आप स्प्रेडशीट्स में डेटा को लिंक कर रहे होते हो तो डैश विदाउट एडिटिंग मल्टीपल लोकेशंस एवरी टाइम द डेटा चेंजेस। मतलब यहाँ क्या पूछा है आपसे, यहाँ क्या आएगा, अपडेटेड। इट मीन्स कि जब भी आप स्प्रेडशीट में क्या करते हो, डेटा को इंसर्ट करते हो, है ना, और फिर आपने उसको लिंक कर दिया किसी और वर्कशीट के साथ, तो आप कैसे डेटा को लिंक करते हो, अपडेटेड डेटा को, है ना। जब भी आप लिंक करते हो तो उसके बाद जो अपडेशंस होते हैं तो वो अपडेशंस भी हमें क्या होते हैं, उस लिंक पे शो होते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपडेटेड। नेक्स्ट इज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। जब आपको कोई नई वर्कशीट को इंसर्ट करना है तो हम कहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन डैश टैब। कौन से टैब पे क्लिक करते हैं, एंड सिलेक्ट द डैश ऑप्शन। किस टैब के कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए। कौन से ऑप्शन को, कौन से टैब को सिलेक्ट करते हैं, होम टैब से हम किसे सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट। किसे सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट शीट या इंसर्ट वर्कशीट। जब आप इंसर्ट वर्कशीट पे क्लिक करते हो होम टैब के अंदर तो एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाती है। You need to type dash manually if you entering it using the keyboard. अब आपको क्या टाइप करना होता है मैनुअली, जब आप क्या कर रहे होते हो, कीबोर्ड से डेटा को एंटर कर रहे होते हो, तो क्या करते हैं हम, रेफरेंसिंग। वी नीड टू टाइप रेफरेंसिंग। रेफरेंस सेल का जो रेफरेंस होता है ना, इक्वल्स टू सम, जो अभी हमने देखा आगे सम ब्रैकेट में हमने लिखा था सेल का नाम, फिर एड्रेस लिखा था B4 टू D4, है ना, वो रेफरेंस होता है। जब आप उसको कीबोर्ड से लिखते हो तो हम उसे क्या करते हैं, मैनुअली रेफरेंस करते हैं। ओके। और जब आप उसे माउस से सिलेक्ट करते हो तो मैनुअली रेफरेंस नहीं होता है वो, बाय यूजिंग माउस। माउस मतलब आप सिलेक्ट करते हो सेल्स को। अ डैश इज अ कलर्ड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट। बहुत ध्यान से समझिए, कलर्ड और अंडरलाइन टेक्स्ट क्या होती है एक्सेल में, हाइपरलिंक, है ना। हाइपरलिंक क्या होती है, कलर्ड और अंडरलाइन होती है। जब भी आप हाइपरलिंक को इंसर्ट करते हो तो कौन से कलर में इंसर्ट होती है, ब्लू कलर में। लेकिन जब आप उस हाइपरलिंक को विजिट कर लेते हो, क्लिक कर लेते हो और उसके बाद जब आप उसे देखते हो तो वो पर्पल कलर में शो होने लगती है। ओके, क्योंकि वो विजिटेड हाइपरलिंक हो जाती है। तो हाइपरलिंक कलर्ड होती है और उसके नीचे अंडरलाइन होता है। ओके। और डैश इज अ पार्शियल एड्रेस। अभी हमने समझा फर्स्ट एमसीक्यू में कि डैश क्या होता है, पार्शियल एड्रेस होता है। तो कौन होता है पार्शियल एड्रेस, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। रिलेटिव इज द पार्शियल एड्रेस। रिलेटिव हाइपरलिंक क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रिलेटिव हाइपरलिंक इज द पार्शियल एड्रेस, जो कैसे शो होता है, सिंगल स्लैश के साथ शो होता है। सपोज सिंगल स्लैश के बाद हमने कोई फाइल का नाम लिखा है, capture.jpg, ये एक इमेज फाइल है, तो सिंगल स्लैश के साथ जब आप इसको एक्सेस करोगे तो वो रिलेटिव हाइपरलिंक होगी। और यदि इसके आगे आपने पूरा पाथ लिख दिया, सी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स में, यूजर्स में कोई फाइल है, तो वो हो जाती है एब्सोल्यूट, है ना, जिसमें हम फुल एड्रेस लिखते हैं। सो अब आपको सारे फिलअप्स भी क्लियर हुए। नेक्स्ट इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज व्हाट डू यू लिंक द स्प्रेडशीट डेटा, व्हाई डू यू लिंक द स्प्रेडशीट डेटा। अब हम जो लिंकिंग कर रहे हैं इस चैप्टर में, क्यों कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं हम लिंकिंग, जस्ट बिकॉज क्या होता है कि जब आपके पास वर्कबुक में सपोज 10 वर्कशीट्स हैं, 10 वर्कशीट में से आपको कोई फिफ्थ वर्कशीट से डेटा को चाहिए या फिर आपको सेकंड वर्कशीट से कुछ डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, बार बार कॉपी पेस्टिंग करते रहेंगे और डेटा को एक्सेस करते रहेंगे। ओके, तो क्या होगा, इससे हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा, हमारा मैनुअल वर्क ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे बेस्ट हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लिंक क्रिएट करते हैं कि हम जो भी वर्ड लिखते हैं उस वर्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस शीट पे पहुंच जाओगे और वहां से जिस डेटा को एक्सेस करना है, जिस सेल को एक्सेस करना है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो लिंकिंग के थ्रू किसी भी सेल को डायरेक्टली रेफर किया जा सकता है, किसी भी अदर वर्कबुक या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ओके, इसमें एरर भी नहीं होती है, टाइम भी सेव होता है। ओके, और डेटा इंटीग्रिटी भी इंप्रूव होती है, जो हमने चैप्टर जब डिस्कस किया था तब भी ये चीज डिस्कस की थी। ओके, सो क्रिएटिंग लिंक्स और एक्सटर्नल सेल रेफरेंसेस कैन एलिमिनेट हैविंग द सेम डेटा मेंटेन्ड इन मल्टीपल शीट्स। यदि जब सेम डेटा मेंटेन होता है मल्टीपल शीट में तो आप इजीली क्या कर सकते हो, लिंक्स क्रिएट कर सकते हो. दिस सेव्स टाइम, रिड्यूस एरर्स एंड इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी. इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया हुआ है. सपोज अ सेल्स मैनेजर कैन हैव अ डिटेल शीट फॉर ईच एम्प्लॉय. एक सेल्स मैनेजर है, उसने एम्प्लॉयज की बहुत सारी शीट बना रखी है, डिटेल शीट बना रखी है. ओके, अब उसमें से उसे कुछ डेटा चाहिए. सपोज अ समरी शीट टू कंपेयर परफॉर्मेंस, उसे एक समरी शीट बनानी है. तो समरी शीट कब बनाएगा, जब वो सारे एम्प्लॉयज की शीट को रेफर करेगा, उन्होंने कितनी सेल्स किस मंथ में कैसे किया हुआ है, उन सारे डेटा को कॉपी करेगा या उनका लिंक क्रिएट कर देगा डायरेक्ट. परफॉर्मेंस वाली जो शीट होगी वहां पे वो सारे एम्प्लॉयज की शीट की लिंक क्रिएट कर देगा. तो जैसे ही उस पर क्लिक करेगा लिंक पर, तो उसके सामने हर एम्प्लॉय की डेटा होगा, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होगी. ओके, सो ये तरीका होता है, इसलिए हम लिंक्स को क्रिएट करते हैं स्प्रेडशीट में. होप आप सभी को समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू शीट इन वर्कबुक. फिर से वही बात आ गई कि वर्कबुक में न्यू शीट को इंसर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल होम टैब में इंसर्ट पे क्लिक करते हैं. इंसर्ट पे क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुलता है. उस डायलॉग बॉक्स में से हम क्या सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट वर्कशीट सिलेक्ट करते हैं. या फिर हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F11. इससे भी आप क्या कर सकते हो, न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हो. नीचे जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 रहता है, इसके पास में एक ऑप्शन होता है, एक बटन होता है. जब आप इस पर राइट क्लिक करते हो या सिंपल हम बोलते हैं कि जब आप इस पर क्लिक भी कर देते हो तो भी एक न्यू शीट S4 नाम की क्रिएट हो जाती है. तो ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम शीट इंसर्ट कर सकते हैं. तो सिंपल यहाँ लिखा हुआ है क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन इंसर्ट शीट. ओके, कहाँ पर मिलेगा आपको, होम टैब में जो मैंने अभी बताया. You can also right click the tab of existing worksheet, then click insert. यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी शीट को इंसर्ट कर सकते हो या फिर आप shift plus F11 से भी शीट को इंसर्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हाइपरलिंक. अब एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या डिफरेंस है. हाइपरलिंक दो टाइप की होती है, मैंने पहले भी बताया है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. एब्सोल्यूट में क्या मेंशन करते हैं हम, फुल एड्रेस मेंशन करते हैं. कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन, मोर कन्वीनियंट टू यूज, इट कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज और एग्जाम्पल इज दिस. ओके, ज्यादा कन्वीनियंट होती है, एरर होने के चांस नहीं होते क्योंकि पूरा एड्रेस हम मेंशन करते हैं. कंटेंट्स लेस इन्फॉर्मेशन, इसमें पूरा फुल पाथ होता है इसलिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है. लेस कन्वीनियंट, क्योंकि यहाँ पर जब आप फाइल का पाथ लिखते हो, पार्शियल एड्रेस लिखते हो, तो कहीं ना कहीं उसे फैच कर पाना डिफिकल्ट होता है. इट कंटेंट्स पार्शियल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म हमने लिखा है, इसका जो एग्जाम्पल हमने लिखा है वो capture.jpg. इसका लिमिटेशन ये है रिलेटिव का कि जो भी फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, जिसकी लिंकिंग आप कर रहे हो, वो सेम ड्राइव में सेम प्लेस पर होनी चाहिए. ओके, बट यहाँ ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता है, इसलिए ये मोर कन्वीनियंट होती है और ये लेस कन्वीनियंट होती है. ओके, नेक्स्ट इज हाउ कैन यू इम्पोर्ट द डेटा. अब बात आ गई डेटा को इम्पोर्ट करने की, जो हमने एमसीक्यूज में पूरी स्टेप्स देख ली कि आप डेटा को कैसे इम्पोर्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल डेटा सोर्स को इन एक्सेल एंड एक्सप्लेन. अब एक्सटर्नल डेटा सोर्स मतलब हम बात कर रहे हैं MS एक्सेस की. MS एक्सेस आपको MS ऑफिस का ही एक टूल है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, वैसे ही वहां पे आप क्या क्रिएट करते हो, MS एक्सेस में डेटा बेस क्रिएट करते हैं, मतलब डेटा सोर्स. ओके, तो एक्सेल से जब आप बाहर से किसी अदर फाइल को, बाहर मतलब हम बोले कि एक्सेल के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर से जब आप किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, तो हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, डेटा टैब को क्लिक करते हैं. डेटा टैब पे कौन सा ऑप्शन होता है, गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप. गेट एक्सटर्नल डेटा ग्रुप से हम किसे सिलेक्ट करते हैं, फ्रॉम एक्सेस को सिलेक्ट करते हैं. किसे सिलेक्ट करते हैं, फ्रॉम एक्सेस को. और जैसे ही फ्रॉम एक्सेस पे आप क्लिक करते हो तो आपको डेटा इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है. उस डेटा इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स में से हमें टेबल सिलेक्ट करनी है, डेटाबेस सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन ओके. जैसे ही आप ओके पे या ओपन बटन पे क्लिक करते हो तो टेबल इंसर्ट हो जाती है. जो डेटा आप इंपोर्ट करने वाले हो MS एक्सेस से, वो इंपोर्ट हो जाता है. ओके, इसके स्टेप्स मैंने अभी एमसीक्यू में फिर से आपको रिकॉल करवाई थी. यहाँ फिर से मैंने आपको बताया कि जो स्टेप्स हमने वहाँ पढ़ी थी वो सेम स्टेप्स हमें यहाँ लिखना है. ओके, हमने इसे प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे से देखा है, उसमें भी सारी स्टेप्स लिखी है. इसीलिए प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो वहाँ पे मैं आपको एक एक स्टेप्स इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको एट अ टाइम स्टेप्स भी लर्न हो जाए. ओके, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो वहाँ पे एट अ टाइम आप स्टेप्स भी लर्न करते चलो. क्लियर कि हमने कौन सा टैब पे किस पे क्लिक किया तो कौन सा विंडो ओपन हुआ, कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ. ओके, हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. दिस इज बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 10th. सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट्स के कुछ प्रैक्टिकल पार्ट को, थ्योरी पार्ट को एंड असेसमेंट को. ओके, सो होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के एक्टिविटी जोन को. सो एक्टिविटी में हमें क्या स्टडी करना है, क्या प्रैक्टिकल करना है. एंटर द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन शीट 1. हमें यहाँ पर शीट 1 एक एक्सेल शीट बनानी है जिसमें शीट 1 में कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को एंटर करना है. इन शीट 2 कॉपी द कॉलम नेम फ्रॉम शीट 1. अब शीट 2 पर आपको स्टूडेंट के नेम वाले कॉलम को कॉपी करना है. ऐड द कॉलम टोटल मार्क्स इन शीट 2. तो नेम के बाद जो हमें कॉलम को बनाना है वो है टोटल मार्क्स. And calculate the total marks by creating the cell reference to the marks of subject stored in sheet 1. अब शीट 1 में स्टूडेंट के नाम के साथ कुछ मार्क्स हैं, उन मार्क्स को हमें ऐड करना है और ऐड करवा के हमें शीट 2 में सेल को रेफरेंस करना है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमें सम करना है वो सेल रेफरेंस के थ्रू करना है. तो यहाँ रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं मल्टीपल शीट्स के बीच में वो सीखने वाले हैं हम. सो दिस इज़ द शीट, है ना, जहाँ पे स्टूडेंट का डेटा सेव है. इस तरीके से आईडी है, नेम, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ 3 सब्जेक्ट है, उनके कुछ मार्क्स सेव है. सो इसे मैंने एक्सेल शीट पे प्रैक्टिकली समझाया है. सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. सो दिस इज़ द एक्सेल शीट. जैसा आपको यहाँ दिख रहा है डाउन में शीट 1. शीट 1 में हमने ये शीट प्रिपेयर किया हुआ है. आईडी, देर आर 5 स्टूडेंट्स, रोहन, मोहन, अनुज, माया एंड रीना, एंड देयर हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स मार्क्स आर हियर. सो अब हमें क्या करना है, सिंपल शीट 2 पे क्लिक करना है और शीट 2 पे इस नेम वाले कॉलम को कॉपी कर लेना है जो मैंने कर रखा है. शीट 2 पे हमने नेम को कॉपी किया हुआ है और टोटल मार्क्स का सेकंड कॉलम ऐड किया हुआ है. अब सिंपल हमें क्या करना है, हमारा टास्क क्या है कि हमें यहाँ पर रेफरेंसिंग करना है इस सेल में. किसकी रेफरेंसिंग करना है, शीट 1 के इन टोटल मार्क्स को. जैसे रोहन को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में कितने मार्क्स आए टोटल, वो कैलकुलेट करना है. ओके, तो हमें इन सेल्स की रेफरेंसिंग करना है. ओके, तो सबसे पहले हम रोहन की सेल्स की रेफरेंसिंग करते हैं उसके मार्क्स की. तो D7, E7 एंड F7. D7 से F7 पे उसके मार्क्स है जिन्हें हमें टोटल कैलकुलेट करना है. कहाँ, शीट 2 पे इस सेल में कैलकुलेट करना है. तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, जैसा आपको पता है कि सेल रेफरेंसिंग 2 तरीके से होती है, बाय यूजिंग माउस एंड बाय यूजिंग कीबोर्ड. ओके, कीबोर्ड का यूज़ करके भी आप सेल रेफरेंसिंग कर सकते हो, माउस का यूज़ करके भी कर सकते हो. तो सिंपल मैं यहाँ पर अभी आपको कीबोर्ड का यूज़ करके रेफरेंसिंग बता रही हूँ. इक्वल का साइन लगाते हैं किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए. अब हमें मार्क्स का टोटल करना है तो हम सम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देन ब्रैकेट हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, किस शीट से, किस वर्कबुक से डेटा लेना है. हमें शीट 1 से डेटा को एक्सेस करना है. तो यहाँ पर हम सिंगल इन्वर्टेड में नाम लिखते हैं शीट का, शीट 1, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज करते हैं. तो ये तो हो गया पाथ कि हमें किस जगह से डेटा को एक्सेस करना है. इट मीन्स आपको किसी वर्कबुक से डेटा को एक्सेस करना है, किसी शीट से डेटा को एक्सेस करना है. ओके, यदि कोई अदर वर्कबुक से डेटा को एक्सेस करना होता तो हम शीट 1 के पहले वर्कबुक का नाम भी लिख सकते थे. ओके, नाउ अब आपको पता है सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कि हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है. एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद हम क्या लिखते हैं, रेंज, कि जिस रेंज में डेटा सेव है जिसका आपको कैलकुलेशन करना है. तो D7 से लेकर कहाँ तक थी वो रेंज, और रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए हम कॉलन लिखते हैं. D7 से F7 तक थी रेंज जिसे हमें कैलकुलेट करना है, देन पैरेंथेसिस क्लोज. इसे ब्रैकेट या पैरेंथेसिस भी बोलते हैं. तो ये मैंने एक पूरा सम फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हम शीट 1 से D7 से F7 के डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड, देन क्लिक ऑन ओके. जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया आप देख सकते हो कि 233 इज़ द सम, है ना. 233 क्या था, सम था रोहन के इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स का. 90 इन इंग्लिश, 65 मार्क्स इन हिंदी एंड 78 मार्क्स इन मैथ्स. इन तीनों का यदि आप टोटल करते हो तो आपको 233 मिलता है. सिंपल आपको ऐसी सभी स्टूडेंट्स का, ये जितने स्टूडेंट्स इन सभी के मार्क्स को टोटल करना है. तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, शीट 2 पे क्लिक करते हैं और जैसा हमारे सामने डेटा क्लिक सिलेक्टेड था रोहन का, हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो प्लस वाला सिंबल है ये चेंज हो जाता है, है ना, थिन प्लस साइन में. तो जब आप इसको सिलेक्ट करके होल्ड करके स्क्रॉल करते हो नीचे तक तो यहाँ पे ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स का टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारे पास. हमने सिर्फ एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया है, सम इक्वल्स टू शीट 1 D7 टू F7. आप देख सकते हो हर सेल पे सेल नंबर चेंज हो जाएगा और जैसे ही आपने ड्रैग करके सारे डेटा को नीचे शिफ्ट मूव किया हुआ है उस तरीके से सारे सेल्स में सम फिल हो चुका है सभी स्टूडेंट्स के marks ka. Okay, so this is really very easy way to calculate to referencing the cells. Cell ko reference करने का way बहुत easy है. Okay, so this is the whole activity that I discuss here. So ये कहीं ना कहीं बहुत easy भी activity है. Okay, next chapter हम discuss करने वाले हैं next video में, जिसका नाम है sharing data and spreadsheets. कि आप workbook को या फिर worksheet को आप कैसे शेयर कर सकते हो, कैसे उसमें कमेंट्स हम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हियर. थैंक यू सो मच.